एक लड़की एमएससी की, इंजीनियरिंग की, एमबीबीएस की, लेकिन अच्छी गृहिणी नहीं बनी, शिक्षा पाई? एक अच्छी मां नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? एक अच्छी बेटी नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? एक अच्छी बहन नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? भगवान राम जब युद्ध जीत गए तो लंका के सब लोग उनके पास आए, उन्होंने आकर कहा महाराज लंका चलकर देखो, दुनिया में ऐसा शहर दूसरा नहीं है, यह डिजिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी है। अब जिस रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता सेंस करता है चीजों को, अब चलेंगे तो आगे से आगे लाइट जलती चली जाती है, पीछे की लाइटें बंद होती चली जाती है, विमान कैसे चलेगा अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में, वहां उसे किसी ऐसे ईंधन की जरूरत पड़ेगी जो ईंधन समाप्त न हो। किलो बुभुक्षित पारा और एक किलो सोना दोनों को मिला दें, कितने किलो हो गया? कितना? एक किलो बनता है। ये जो पारा और सोना मिलकर जो ईंधन तैयार हो रहा है, ये ईंधन मुनि भारद्वाज के विमान शास्त्र में उपलब्ध है। और ताज्जुब की बात तो यह, मैंने विद्यालय में देखा लिखा हुआ, उन्होंने द्वार पर ही लिख रखा था शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और ऊपर लिखा विद्यालय, नाम विद्यालय और आइए शिक्षार्थ। क्यों विद्यार्थ क्यों ना हो? शिक्षा और विद्या दोनों में प्रचुर अंतर है। मेरा वीरेंद्र जी से कोई सीधा परिचय नहीं है, मेरी एक बहन है तो वो इनकी बड़ी भारी भक्त है, तो वो सब सामान इन्हीं का मंगाती है, सब सामान इन्हीं का, मतलब वो गोधुली के बिना मत, उसके हिसाब ये है, वो उसका बस चले तो वो संदूक भी गोधुली का लेके आए, लेकिन वो ये बनाते नहीं है अभी संदूक। घर में पड़े हुए सोफे भी बुरे लगते हैं क्योंकि उन पर गोधुली की मोहर नहीं है। और आश्चर्य ये है कि मैं कुछ खाता पकाता नहीं हूं, मेरे घर में भी सब सामान चारों तरफ आपको लोंग भी, लोंग का एक छोटा सा पैकेट होगा, वो भी गोधुली का होगा। आप नहीं कर सके तो बस मैंने वीडियो बंद करो तब बताऊंगा। पंचस्थ इस सनातन धर्म, इस वर्णाश्रम धर्म की आश्रम व्यवस्था में सर्वोच्च आश्रम में विद्यमान दोनों सन्यासी जो है, पूजनीय सन्यासी महोदय और मेरे बीच में, हम सबकी सभा के बीच में उपस्थित आदरणीय वानप्रस्थी नरेंद्र मुनी जी, जिन्होंने दिन रात पुरुषार्थ किया है, ऐसे कई लोग होंगे जिनमें से एक को मैं जानता हूं, आदरणीय मित्र वीरेंद्र जी, और सम्मुख बैठे हुए श्रोताओं, भ्राताओं, काकाओं, भगिनियों और माताओं, गीता में श्री कृष्ण चंद्र एक बात कहते हैं, कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ करने से वर्षा होती है। पहले ऐसे वर्षा के लिए यज्ञ किए भी जाते थे, धीरे 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 यज्ञों की परंपराएं लुप्त हो गई, अब बहुत थोड़े लोग हैं जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ किसे कहते हैं? तो यज्ञ के संबंध में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, कि संसार में सबसे उत्तम कर्म क्या है? यज्ञ है। या यूं कह लो कि यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, या यूं कह लो कि श्रेष्ठ कर्म सारे यज्ञ है, जितने उत्तम काम है वो सारे के सारे यज्ञ है, या तो ये कह लो कि यज्ञ जो है वो उत्तम काम है। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं, दोनों चीजें आप अच्छे से एक दूसरे में परिणत कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ किसे कहते हैं? क्या केवल लकड़ियों पर घृत डालकर वेद मंत्रों के साथ स्वाहा स्वाहा करते जाना इसी का नाम यज्ञ है, या फिर यज्ञ कुछ और है? तो यज्ञ की परिभाषा देते हुए ऋषि लोग कहते हैं, कहते हैं अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत। अग्निहोत्र कहां होता है? घर में करते हो ना, घर में अग्निहोत्र संविधाएं रखते हो, उन संविधाओं के ऊपर घी डालते हो और स्वाहा करके आहुतियां देते हो। अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधादि पर्यंत, अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? राजा। किसने किया था? आपने नाम सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वो कहानी है ना, लव कुश ने पकड़ लिए थे घोड़े को। तो अश्वमेधादि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना और कराना यज्ञ कहलाता है। शिल्प विद्या मतलब टेक्नोलॉजी, ये माइक जिससे मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज को बहुत बढ़ा रहा है, ये नहीं होता तो मुझे चीखना पड़ता, लेकिन ये मुझे लाभ कर रहा है। आपके हाथ में मोबाइल, ये मोबाइल क्या है? टेक्नोलॉजी है। आपके मोबाइल में आपको वर्षा की पता चल जाता है, अगले सप्ताह वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली है,
है? मेरा बेटा जो है आईआईटी खड़गपुर में, लड़का है हमारा अमरजीत, आईआईटी खड़गपुर में वो एटमोस्फियरिक फिजिक्स में रिसर्च करता है, वहां पीएचडी कर रहा है वहां से। तो वो जब हम कार्यक्रम करते हैं तो हम उसे फोन करते हैं कि भाई वो 2 महीने बाद कार्यक्रम है हमारा, हमें ये बता दे फला तारीख में बारिश होगी कि नहीं, आसपास बारिश होगी कि नहीं। तो कहता है पढ़ रहे हैं हम, भगवान थोड़े हैं, हमें क्या पता बारिश होगी कि नहीं होगी। तो हमने कहा हम कैसे पता करें? बोले आसपास के किसानों से पूछो, उन्हें ज्यादा पता होगा, हमें इतना पता नहीं होता जितना किसानों को पता होता है। हम तो सैटेलाइट जो कुछ बताता है उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च करते रहते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं, केंद्र देखते हैं कि वर्षा का केंद्र किधर घूम रहा है, उस वर्षा के केंद्र पर हमारी स्टडी पूरी निर्भर रहती है। लेकिन ये जो कुछ ये सैटेलाइट वगैरह डिजाइन हुए हैं जिनके माध्यम से आपके घर में टीवी पहुंचता है, ये सब शिल्प विद्या में आते हैं। ये भवन अब देखो, इसमें कड़ियां नहीं रखी गई फिर भी इसकी छत रुकी हुई है, तो कुछ तो तरीका अपनाया होगा ना कि छत रुकी हुई है, कड़ियां नहीं रखी फिर भी छत रुकी हुई है। तो ये इसमें लोहा डाला गया अंदर, है ना, बीम बनाए गए हैं, लोहा डाला गया, पिलर्स खड़े किए गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, इसी का नाम शिल्प विद्या है। लेकिन शिल्प विद्या कैसी हो? यज्ञ सब शिल्प विद्या नहीं हो सकती, वो शिल्प विद्या यज्ञ कहलाएगी जिसमें एक शब्द और जोड़ा बाद में, जिसमें परोपकार निहित हो। जिसमें क्या निहित हो? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो परमाणु बम भी है, परमाणु बम भी टेक्नोलॉजी है। तो अगर परमाणु बम को भी हम यज्ञ मानने लगेंगे तो बड़ा भारी बिगाड़ हो जाएगा, तब ये ठीक नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है टेक्नोलॉजी वो जिसमें परोपकार नहीं। एक छोटी सी बात बताता हूं, मुनि भारद्वाज का विमान शास्त्र उपलब्ध है अभी इस समय। मुनि भारद्वाज श्री राम जी के समकालीन है, उनका विमान शास्त्र उपलब्ध है और उस विमान में सैकड़ों प्रकार के विमानों के बनाने का स्पष्ट उल्लेख है, वर्णन। हमारे यहां प्रयोग नहीं किया जाता, अंग्रेज लोग खूब प्रयोग कर रहे हैं इन चीजों का, वो उसका लाभ ले रहे हैं। उसी विमान शास्त्र में फ्यूल्स पर चर्चा है कि ईंधन कैसा होना चाहिए, है ईंधन कैसा होना चाहिए। वेद मंत्र में आता है इद्म आत्मा, इद्म मतलब ईंधन, ईंधन की बात वहां आती है। तो ईंधन कैसा होना चाहिए, ईंधन की चर्चा है। तो वहां ईंधन की चर्चा करते हुए भी यही कहा जाता है कि ईंधन भी ऐसा हो जो अपरोपकारी ना हो। तो वहां एक ईंधन का प्रयोग किया गया है, सोने का और पारे का, सोने और पारे का। आप आश्चर्य करोगे, वर्तमान में इस ईंधन पर नासा काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है इस ईंधन पर, कि जो दूर जाता है यान, जहां प्रकाश नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण भी क्षीण हो जाता है, तो वहां विमान कैसे चलेगा अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में, वहां उसे किसी ऐसे ईंधन की जरूरत पड़ेगी जो ईंधन समाप्त न होता हो। तो वो पारा और सोने पर काम कर रहे हैं। पारा, एक पारा होता है बुभुक्षित पारा, भूखा पारा, बुभुक्षित मतलब भूखा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, उत्तर देना मुझे जरूर, 1 किलो बुभुक्षित पारा और 1 किलो सोना दोनों को मिला दें कितने किलो हो गया? कितना? 1 किलो बनता है। बुभुक्षित पारा और 1 किलो सोना दोनों को 1-1 किलो की मात्रा में मिला दें तो कितना बनता है? 1 किलो बनता है, है? ये जो पारा और सोना मिलकर जो ईंधन तैयार हो रहा है, ये ईंधन मुनि भारद्वाज के विमान शास्त्र में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम कई सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो बहुत आश्चर्यजनक। अगर आप अपना इतिहास उठाकर देखें तो 13 साल सुख से जब बीत गए, 13 साल बीत गए, 14वें साल में भगवान राम का झगड़ा हो गया किसके साथ? किसके साथ झगड़ा हुआ? रावण के साथ झगड़ा हुआ। रावण कौन? रावण इतना भयानक ताकतवर व्यक्ति था अपने काल का कि जब वह विश्वामित्र अपने यज्ञों की रक्षा के लिए श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को लेने दशरथ जी के पास गए, तो दशरथ ने कहा कि आप बालकों को क्यों ले जाना चाहते हैं, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, मैं अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर आपके साथ चलूंगा और मैं आपके यज्ञों की रक्षा करूंगा। और कहते हैं सारे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दशरथ का मुकाबला कर सके, छोड़कर रावण को। इसका मतलब रावण से राम जी के पिताजी भी भय खाते थे। उसके साथ झगड़ा हुआ भगवान श्री राम का, और झगड़ा भी बड़ा भारी झगड़ा, और जहां था जब ढूंढा गया तो यह ऐसी जगह है जहां पहुंचना संभव नहीं है। लंका समुद्र के बीचों बीच है, वहां पहुंचना आसान काम नहीं है। इसे और अच्छे से समझो
कि युद्ध जो है, युद्धक परिस्थितियां कुछ अलग प्रकार की होती हैं। ऐसी एक युद्धक परिस्थिति बताता हूं आपको। यूरोप में एक देश है जिसने हम पर 250 साल शासन किया है, इंग्लैंड। नाम सुना है ना इंग्लैंड का? इंग्लैंड समुद्र के बीचों बीच है, और इंग्लैंड पर दो लोगों ने हमला किया। पहले व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे व्यक्ति का नाम था अडॉल्फ हिटलर। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इंग्लैंड को ध्वस्त किया, लेकिन अडॉल्फ हिटलर ने इंग्लैंड को पूरी तरह तहस नहस किया था। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही इंग्लैंड को जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? न जीतने का कारण यह है कि जब तक आप हवाई हमला करोगे तब तक आप किसी क्षेत्र को जीत नहीं सकते। किसी क्षेत्र को विधिवत जीतने के लिए आपको जमीनी हमला करना पड़ेगा। इन दोनों में इतनी बुद्धि नहीं थी। ये अपना विमान भेजते थे और विमान के गिरने पर दो हानियां होती थी। एक तो विमान नष्ट होता था, उसके साथ पायलट नष्ट होता था, और पायलट बनाना कोई सामान्य काम नहीं होता। पायलट मर गया तो काम खत्म हो गया। आपके पास 500 पायलट है, 500 विमान गए, 500 फूट गए, आपके पास पायलट नहीं है। पायलट आनन फानन में नहीं बनाए जा सकते। पायलट को बनाने में बड़ा समय लगता है। भगवान राम इस बात को जानते थे कि लंका पर अगर मैंने हवाई हमला किया तो लंका को जीतना सरल काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा जमीनी हमला करना पड़ेगा। जमीनी हमले के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पुल। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा आधुनिक बुद्धि से समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा प्राचीन बुद्धि को एक तरफ रखना, थोड़ी तर्क बुद्धि जगाना। पुल था, पुल जिसके ऊपर से सेना उतर कर जानी थी। सेना को उसके ऊपर से उतर कर जाना था। दो चार आदमी कूदते फांदते नहीं जाने थे। सेना उतर कर, मतलब 20 टैंक साथ चलेंगे, ट्रक साथ चलेंगे, इतना बड़ा पुल बनना था। अच्छा बताओ, जब भगवान ने इतना बड़ा पुल बनाया, भगवान श्रीराम ने इतना बड़ा पुल बनाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानते होंगे कि नहीं? मुंडी हिलाओ, ऐसे मुझे पता चले तुम जिंदा लोग बैठे हो, है ना? या यूं देख रहे हो मेरी तरफ जैसे मैं किसी और भाषा में बोल रहा हूँ, या मैं मंगल से आया हूँ और एलियन हूँ। मेरी भाषा तुम्हें समझ में नहीं, हिंदी हिंदी समझ में आती है। मैं हरियाणा के थोड़े किनारे पर रहता हूँ, नरेश जी देख रहे हैं मेरी तरफ तिरछी नजर से, पर हरियाणा भाषा अशब्द असभ्य भाषा है, और वैसी ही भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी, हमारी भाषा भी है। तो हो सकता है मेरी भाषा में कुछ दोष हो, पर मैं यथावत इसे खड़ी बोली हिंदी करके बोलने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा हाँ, गर्दन हिला के मुझे रेस्पोंड करो, पता चले मुझे कि ऐसा है। अच्छा बताओ, जिस आदमी ने इतना बड़ा पुल बनाया वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानता होगा कि नहीं? सिविल इंजीनियरिंग जानता होगा कि नहीं? ओशन साइंस जानता होगा कि नहीं? जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान जानता होगा कि नहीं? इन सारे विज्ञानों को परिपूर्णता के साथ भगवान श्रीराम जानते थे, तभी तो पुल बनाने में समर्थ हुए। और आप आश्चर्यजनों, अपने काल में सबसे बेहतरीन शिल्पी रहे होंगे, सबसे बेहतरीन इंजीनियर रहे होंगे भगवान श्रीराम। और उसका कारण क्या है कि रावण के पास, वाल्मीकि रामायण में उठा के पढ़िए, तुलसीदास तो बाद में जो रामचरितमानस लिखी वो तो उसकी प्रतिकृति है, वाल्मीकि रामायण को ही केंद्र मानकर लिखी गई है। मूल ग्रंथ जो है वो वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ो तो रावण के पास दूत गए, उन्होंने जाकर कहा कि महाराज वो तो पुल बना रहे हैं। तो रावण ठठाकर हंसा बिस्तर पर गिरकर, बोले पागल कहीं का, अरे समुद्र पर पुल बांधा जा सकता है क्या? कोई समुद्र पर पुल बांध पाएगा? नदी नालों पर थोड़ा बहुत पुल बांध लेते हैं लोग, तो इसका मतलब समुद्र पर बांध लेते। दशरथ का लड़का पागल हो गया। तो उन्होंने कहा महाराज, कुछ दिन बाद आकर कहा महाराज 1 किलोमीटर लंबा पुल बना लिया। तो रावण बोला ये बिल्कुल ही पागल है, खुद तो डूबेगा, इस सुग्रीव का भी नाश करेगा, उसके पास तो जो 2-4-10 रुपए हैं वो भी सब नष्ट, किसी काम नहीं आएंगे, सब बर्बाद, ये सब समुद्र में डुबा देगा, पूरी किष्किंधा को समुद्र में डुबा देगा। लेकिन भगवान राम पग 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 करते करते लंका जा पहुंचे और लंका तक का पुल बांध दिया। यह आसान काम नहीं था। उन्होंने वो अद्भुत काम करके दिखाया जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। इसे मैं कह रहा हूं ये टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? शिल्प विद्या है। अच्छा, हमारे पूर्वज जो इतना बड़ा पुल बनाना जानते थे, जो विमान बनाना जानते थे, भगवान राम जब युद्ध जीत गए तो लंका के सब लोग उनके पास आए, उन्होंने आकर कहा महाराज लंका चलकर देखो, दुनिया में ऐसा शहर दूसरा नहीं है, यह डिजिटल सिटी है, स्मार्ट सिटी है। अब जिस रास्ते से जाएंगे तो वो रास्ता सेंस करता है चीजों को, आप चलेंगे तो आगे से आगे लाइट जलती चली जाती है, पीछे की लाइटें बंद होती चली जाती है, ये अपने आप चीजों को सेंस करते, मतलब इसे तो ये मत समझिए, कहानी किससे मत सुनिएगा, सोचने का प्रयास कीजिए कि वो कैसा रहा होगा। वो अद्भुत शहर की प्रस्तुति लेकर आए और राम जी से कहा आपने जीता है, आप लंका चलो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने लंका देखी है, ऐसा मैंने कहीं संसार में कुछ नहीं देखा, आप वहां चलो। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, राम जी कहते हैं,
मुंह फेर कर बैठ गए लंका से और कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमि रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं मुझे सोने की लंका रुचिकर प्रतीत नहीं होती लक्ष्मण, मेरा तो साकेत की गलियों में खेलने का मन है, मेरा तो सरयू के कीचड़ में खेलने का मन है, अपनी मातृभूमि की मिट्टी में खेलने का मन है, मेरा तो कौशल्या और कैकेयी की गोद में लेटने का मन है, मुझे जननी और जन्मभूमि इन दो की याद आ रही है, जो स्वर्ग से भी उत्तम है, मुझे लंका की कोई चिंता नहीं। और वहां से उन्होंने कहा कि भरत मेरी प्रतीक्षा में है, अगर मैं एक दिन भी लेट हुआ तो भरत आत्मदाह करके अंदर मर जाएंगे, तो जानता नहीं है उसका संकल्प कितना पक्का है, इसलिए भैया मैं तो वहां जाना भी चाहता हूं तो बड़ी जल्दी, मुझे तो 4-5 घंटे में वहां पहुंचना है, तो 4-5 घंटे में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, तो उनके लिए विमान की व्यवस्था की गई। हाँ कहना की गई थी, कौन सा विमान था? पुष्पक विमान पर बैठकर पहुंचे थे। अच्छा विमान उपलब्ध था कि नहीं था? विमान था, सिविल इंजीनियरिंग थी, सब कुछ था, टेक्नोलॉजी थी पूरी की पूरी। लेकिन अब आश्चर्यजनक बात देखो, हमारे पूर्वजों ने सब बनाया लेकिन वो क्या जिसमें सामान रखते हो तुम, वो पॉलीथीन पन्नी वो नहीं बनाई। अच्छा ये पॉलीथीन क्या होती है, पन्नी क्या होती है? कुछ भी नहीं, एथिलीन को एंटाइम्स कर दो तो पॉलीथीन बनता है, ये कुछ नहीं है, लाओ मैं बना दूं, ये कौन बड़ी बात है। मशीनें ऐसी हैं जो कई कई हजार पॉलीथीन प्रति सेकेंड की दर से पॉलीथीन बनाती है, पॉलीथीन हजारों प्रकार का है, पॉलीथीन यूं बन जाता है लेकिन नष्ट कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है? लगभग 5,000 साल लगते हैं पॉलीथीन को नष्ट होने। कितने साल? जब तक रहेगा तब तक कैंसर फैलाएगा, जला दोगे हवा में कैंसर, दबा दोगे मिट्टी में कैंसर, पानी में डाल दोगे पानी में कैंसर, सब जगह कैंसर ही कैंसर है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो इससे कैंसर के अलावा कुछ उत्पन्न होती हो। ये पॉलीथीन हमारे पूर्वजों ने नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों का मत था कि क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और हवन किसे कहते हैं? कहते हैं शिल्प विद्या तो हो लेकिन उसमें परोपकार हो, अगर वो परोपकारी वाली नहीं है तो शिल्प विद्या होनी नहीं चाहिए। इसलिए चाहे वो भवन निर्माण की कला हो, चाहे वो मशीन निर्माण हो, चाहे वो संसार में किसी भी प्रकार का निर्माण हो, उसमें यह देखा जाता था कि इसमें कितना अच्छा है और कितना बुरा है, जो बुरा है उसे ग्रहण नहीं किया जाता था। समझ में आई बात? यज्ञ नाम है पुरुषार्थ का। किसका नाम है यज्ञ? पुरुषार्थ का। अग्निहोत्र भी तो क्या है, वो भी तो पुरुषार्थ है, वो भी तो पुरुषार्थ किया जाता है, तो पुरुषार्थ का नाम जो है वो यज्ञ है। आप दीन दुखियों को कंबल बांटते हो, ये भी क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। आप गौशालाएं चलाते हो, ये क्या है? ये भी महायज्ञ है। आप संसार के कल्याण का काम करते हो, ये सब यज्ञ है। आप बच्चों को पढ़ाते हो, ये यज्ञ है। आप लोगों के भोजन में से जहर निकालते हो, ये क्या है? ये भी यज्ञ है। ये सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। अब ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से वर्षा होती है। कैसे होती है यज्ञ से वर्षा? हम जब यज्ञ करते हैं तो उससे वर्षा होती है। अब वर्षा कैसे होती है, ये सारा साइंस तो मैं आपको थोड़ी सी देर में नहीं बता पाऊंगा, पर एक संकेत जरूर दूंगा। जब आप लकड़ियों पर घी डालते हो तो वहां कुछ क्रियाएं घटती हैं। लकड़ियों को जब जलाया जाता है तो लकड़ी में नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ये पॉलीथीन क्या है? ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है। तो लकड़ी के अंदर कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, लिग्निन, पेक्टिन, सेल्युलोज, ये सब होते हैं। ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। जब इन नेचुरल पॉलीमर्स के ऊपर आप फैटी एसिड डालते हो, घी डालते हो, तो वहां रिएक्शन घटती हैं और उन रिएक्शन से जो कुछ होता है वो अधिकांश कल्याणकारी होता है। वहां लकड़ी का भंजन होता है, लकड़ी के भंजन की क्रिया से जो गैसें उत्पन्न होती हैं वो समाज के लिए कल्याणकारी गैसें होती हैं। इन्हीं कल्याणकारी गैसों से वर्षा होती है। डॉक्टर राम प्रसाद जो प्रो वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहे हैं और बाहर विदेश में 18 यूनिवर्सिटीज में जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, वो इसका केमिस्ट्री का साइंस लिखते हैं यज्ञ विज्ञान के नाम से। इतना मोटा पुस्तक है, कभी आप उठाकर पढ़ना। वो पूरे केमिकल जो इक्वेशंस है उन्होंने खोल के रखी हैं कि यज्ञ से कैसे वर्षा होती है। तो वो तो मैं आपको थोड़े से समय में नहीं बता पाऊंगा, पर आप इतना समझिए, श्री कृष्ण चंद्र महाराज गीता में कहते हैं कि यज्ञ से क्या होता है और वर्षा से क्या होता है? वर्षा से अन्न होता है और अन्न से क्या होता है? अन्न से भूत। अन्न से क्या होता है? भूत उत्पन्न होते हैं। भूत क्या? प्राणी। भूत किसे कहते हैं? प्राणी। और प्राणी के भीतर मानस, मानस और मानस के भीतर विचार।
अच्छा विचार कैसे उत्पन्न होता है ये बताओ मुझे, आपके पास अपने अपने मौलिक विचार हैं कि नहीं? हां ना में गर्दन हिलाओ। है सबके पास मौलिक विचार हैं? सोचो क्या तुम्हारे पास अपना एक भी मौलिक विचार है? सोचो। अच्छा ये बताओ, ये मेरे हाथ में माइक देख रहे हो, इसे क्या कहते हैं? माइक कहते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा ये जिस पर स्वामी जी बैठे हैं, चौकी तख्त है ना, ये चौकी क्या नाम है इसका बोलो? मुझसे पहले भी इसे जानते थे कि नहीं? हाँ ना बोलो। मुझे मेरे अभी बताने से पहले तुम इसे जानते थे, लेकिन मुझे बताओ इसे आप अपने आप जाने हो या इसे आपने कहीं सुना या पढ़ा होगा? कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने सुना या पढ़ा। अच्छा तुम एक भी मौलिक विचार बताओ मुझे जो आपने कहीं देखा सुना या पढ़ा नहीं है, वो केवल आपका मौलिक विचार है। बोलो है किसी के पास अपना कोई मौलिक विचार? जब तुम्हारे पास अपना मौलिक विचार नहीं है तो इस मौलिक विचार का स्रोत क्या है? ये विचार जो तुम्हारे पास इतने सारे विचार है भाई, आपने तो अपने पूर्वजों से सुने, उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सुने, और ऐसे पीछे पीछे पूर्वज करते चले जाओ तो जो सबसे पहले पूर्वज रहे होंगे उन्होंने ये विचार कहां से पाए, उनके पास ये विचार कहां से आए? ये विचारणीय प्रश्न है। बोलो हां क्या ना? ये विचारणीय प्रश्न है कि मेरे पास मेरा कोई मौलिक, मैं जो बोल रहा हूं ना, एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक ध्वनि जो मेरे मुंह से निकल रही है, एक एक बात जो मैं कह रहा हूं, जो शब्द संयोजन वाक्य संरचना मेरी है, उसके पीछे जो ज्ञान है, इसमें कुछ भी मेरा मौलिक नहीं है, नहीं है। ये कहीं ना कहीं से मुझे संसार से मिला है, किसी ना किसी से मुझे मिला है। कई बार तो क्या होता है, मैं जिन्हें पढ़ा रहा होता हूं वही मुझे सिखाते हैं, मेरे छात्र मुझे सिखाते हैं, मैं अपने छात्रों से बहुत सारी चीजें सीख जाता हूं। मान लीजिए मैं उन्हें सांख्य दर्शन पढ़ा रहा हूं, मैं तो कहता हूं अतः त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अब इस सूत्र पर बहस होगी, उनमें से कई बालक ऐसा तर्क लेकर आएंगे जो तर्क मेरी जानकारी में नहीं था, तो मैंने उनसे सीखा कि नहीं सीखा? वो अंग्रेजी में कहावत है, एवरी सन इज द फादर ऑफ हिज फादर, संसार में हर पुत्र अपने पिता का ही पिता होता है, संसार में हर शिष्य अपने आचार्य का भी आचार्य होता है। तो फिर हमें ये कहां से मिला? मुझे मेरे गुरुजी से, हाँ ना बोलो, और मेरे गुरुजी को, और उनके गुरुजी को, और उनके गुरुजी को, और सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ। किसे मिला सबसे पहले गुरु को यह ज्ञान किससे मिला? तो पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं, ऋषि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, कहते हैं सएष पूर्वेशम अपि गुरु काले नान वच्छेदात्। कहते हैं वो गुरु जो काल की अवधि के बाहर है, काल जिसे बांध नहीं सकता, जो काल की सीमाओं के परे है, जो संसार के सारे गुरुओं का गुरु है, वही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तो वो मुख्य स्रोत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, और वो कौन है? परमपिता परमात्मा। वो परमपिता परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। आजकल शिक्षा में ये चीजें पढ़ाना बंद कर दिया गया है, है? मेरे अच्छी तरह याद है, उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो तो, है तो काफी उम्र के लोग हैं और पुराने लोग हैं उत्तर प्रदेश के। जो पुराने लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बचपन में किताब में, हिंदी की किताब में कविता पढ़ी होगी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, थी कविता, ईश्वर के बारे में कविता थी लंबी चौड़ी। उस समय ये पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल क्या पढ़ाया जाता है? आजकल पढ़ाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अच्छा ताज्जुब की बात देखो, बच्चे को गलत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चा भी प्रसन्न है और माता पिता भी प्रसन्न है। माता पिता जानते हैं कि गलत पढ़ाया गया है। स्टार कहते हैं तारे को, हमारे सौरमंडल में सूरज तारा है और तारा सारे ग्रहों से बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है स्टार, और हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार लिटिल है नहीं, लेकिन पढ़ाया क्या गया है कि स्टार कैसा है? लिटिल है। स्टार लिटिल नहीं है, स्टार तो ह्यूज है। कहना तो ये चाहिए ट्विंकल ट्विंकल ह्यूज स्टार्स, लेकिन यहां उल्टा पढ़ाया जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्योंकि तुमसे क्या छीन लिया इस शिक्षा ने? वो छीना है तुमसे तुम्हारा तर्क, वो छीना है तुमसे तुम्हारा सवाल। जिसके पास सवाल नहीं, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, और बुरा मत मानना इस बात का,
क्योंकि मैं उनके पास कह रहा हूं जिनके पास सवाल नहीं। आपके पास सवाल ना होता तो आप यहां ना आते। आपके पास सवाल है, जिसके पास सवाल नहीं होता उसमें और एक गधे में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि गधे के पास भी सवाल नहीं होता। गधे के पास कोई सवाल, आप कुछ ही डाल दो, वो ये नहीं पूछेगा कि आज भोजन में क्या बना है। गधा पूछता है कि भैया आज क्या दोगे शाम की सानी में? गधा पूछता है आज किधर सामान लेके? मैं क्यों जाऊं सामान लेके, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मेरा टाइम पूरा हो गया। कभी कहता है गधा? कुछ नहीं। आप रात में 12 बजे जाके उसे खड़ा करो, खड़ा हो जाए, सामान रखो, चल पड़े भाई, चल पड़ेगा। उसके बाद सवाल नहीं है। गधे का यह लक्षण है कि उसके पास सवाल नहीं होता। अब अपने अपने बारे में यह विचार करना कि तुम्हारे पास सवाल होना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास सवाल नहीं होगा तो आगा तुम समझो। सवाल जीवन में सबसे जरूरी है, लेकिन आपके बच्चों से क्या छीन लिया गया है इस एजुकेशन सिस्टम ने? आपके बच्चों से क्या छीन लिया है? सवाल छीन लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां एक पढ़ा दिया जाता है, जॉनी जॉनी बस यस कहो, तुम्हें नो कहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो मेरे, बहुत आसान प्रश्न है। दो पंजे नहीं पता, कुछ लोगों को नहीं पता। अच्छा ये दूसरी बात है, 2 5 10 2 5 10 को ही 2 5 10 कह रहा हूं। 2 5 10 को ही हम 2 5 10 कहते हैं। 2 5 कितने होते हैं? अच्छा ईमानदारी से हाथ खड़े करके मुझे बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अध्यापक से यह प्रश्न पूछा जब उन्होंने आपको 2 5 10 पढ़ाया, तो आपने हाथ खड़े करके ये पूछा कि गुरुजी 2 5 217 क्यों नहीं, 2 5 10 ही क्यों? आप में से कितने लोगों ने प्रश्न पूछा कि आखिर गुणा नाम का कंसेप्ट क्या है? क्या गुणा नाम का कोई कंसेप्ट दुनिया में है? बेसिकली गुणा नाम का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। जो कुछ है वो एडिशन है। 2 को 5 बार जोड़ने से 2 × 5 बनता है, 2 को 5 बार जोड़ते हैं तो 10 बनता है। तो जो मूल कंसेप्ट है वो एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन तो है ही नहीं कहीं। लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है आप बिना विचार किए उसे एक्सेप्ट करते हैं, यह आज के एजुकेशन सिस्टम की खूबी है। आप उस पर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हमारे लिए सवाल बहुत जरूरी है। एक जैसे स्वामी जी बैठे ना, ऐसे एक सन्यासी थे, गृहस्थ रहे पहले, तो उनके पत्नी बच्चे भी थे। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, सर्वहोम यज्ञ, सब दे देना है। तो क्या देना है? कहा जो अपनी प्रिय वस्तुएं हैं वो सब दान दे दूंगा। यज्ञ किया और उन्होंने, उनके पास हजारों गौएं थी, वो हजारों गौएं दान कर दी। उनका बालक आया जो 10 साल का था। बालक आकर देखता है कि जो मोटी ताजी गौएं हैं, जो बढ़िया दूध देती हैं, उन गौओं को तो पिताजी ने पीछे वाली गौशाला में बांध लिया, और जो ऐसी गौएं सूख चुकी हैं, हड्डियां दिख रही हैं, जिनका मांस खत्म हो गया है, जो अपने हिस्से का भोजन कर चुकी हैं, अपने हिस्से का जल पी चुकी हैं, हो सकता है ये हमारे घर से निकलते निकलते ही मर जाए, ऐसी गौओं को पिताजी दान दे रहे हैं। तो बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिता से पूछा, पिताजी इन गौओं को आप क्यों दान कर रहे हो? तो कहा, इस यज्ञ में अपनी प्रिय वस्तुएं दान की जाती हैं, और ये गौएं बहुत दिन से मेरे साथ हैं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं अपनी प्रिय गौओं को दान कर रहा हूं। बालक को यह बात समझ में आ गई कि गड़बड़ी क्या चल रही है। बालक ने पिता से कहा, पिताजी मैं प्रिय हूं कि नहीं? कहा, तू सबसे प्रिय है। तो कहा, तो मुझे किसे दान दोगे? पिता इस प्रश्न को सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस प्रश्न की उपेक्षा की, चले गए बालक पीछे पीछे। देखो यहां एक चीज और जरूरी है, आपने प्रश्न पूछा है लेकिन प्रश्न के प्रति, देखो एक चीज सुनो पहले, यहां जो सुन रहे हो ना पीछे तक, एक एक चीज ध्यान से सुनना मेरी। सुनने का भी एक क्रम होता है। सबसे पहले मन में सुश्रुषा उत्पन्न होती है। सुश्रुषा कहते हैं सुनने की इच्छा। सुश्रुषा किसे कहते हैं? सुनने की। तो आप लोग यहां आए हो, इसका मतलब सुश्रुषा तो आपके पास है। दूसरा होता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है ठीक से सुनना। सुनना मतलब कान में पड़ गया, ये नहीं। आप ऋषिकेश से यहां तक आए हो, हजारों प्रकार की ध्वनियां आपने सुनी हैं, लेकिन क्या आपने उनमें से एक भी ध्वनि को रिपीट करके मुझे बता सकते हो? क्योंकि वो आपने यूं ही सुनी, कान में पड़ी और निकल गई। सुनना उसे कहते हैं जिसे ध्यान पूर्वक सुना जाता है। जानने का नाम सुनना है। जानने का नाम क्या है? श्रवण के बाद आता है ग्रहण करना। जो श्रवण किया उसमें से ग्रहण कितना किया, और ग्रहण करने के बाद आता है धारण करना कि तुमने उसमें से धारण कितना किया। ये बहुत जरूरी होता है।
अगर हम धारण नहीं करते तो वो सुनना ग्रहण करना सब बेकार हो जाएगा। युधिष्ठिर को एक आचार्य जी ने पढ़ाया कि कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जिसके मन में उत्पन्न होता है वो व्यक्ति उस क्रोध का माता पिता होता है, और क्रोध की विशेषता है वो सबसे पहले अपनी मां को खाता है। क्रोध किसे खाता है? अपनी मां को खा जाता है। युधिष्ठिर को आचार्य जी ने पढ़ाया, कहा ये कल पाठ सुनेंगे। सब बच्चे चले गए, अगले दिन सब बच्चाए, सबने पाठ सुना दिया। युधिष्ठिर से कहा पाठ सुनाओ, युधिष्ठिर ने कहा मुझे तो पाठ याद नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, कल सुनाना, और एक और नया पाठ दे दिया गया। तो दो पाठ हो गए युधिष्ठिर के हिस्से में। अगले दिन बच्चे आए, बच्चों ने सबने अपने दो दो पाठ सुना दिए। युधिष्ठिर ने कहा गुरु जी मुझे तो पहला ही पाठ याद नहीं हुआ, दूसरे की तरफ तो बढ़ा भी नहीं। और इस तरह तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा दिन बीते, और कई दिन बीत गए। और इसी तरह कई दिन जब बीतते जाते थे तो हर बार पाठ बढ़ते जाते, और जब 10-12 पाठ इकट्ठे हो गए और युधिष्ठिर से फिर पूछा कि पाठ याद है क्या, युधिष्ठिर ने कहा अभी तो पहला ही याद नहीं। अब गुरु जी को क्रोध आ गया, मूर्ख को पहला पाठ भी याद नहीं हुआ। उन्होंने डंडा उठाया और जम के मशक्कत कर दी, बढ़िया वाली पिटाई कर दी, जम के पीटा। अच्छा पीटा तो युधिष्ठिर शांति से मुस्कुरा रहा था, शांति से गुरु जी को देख रहे। गुरु जी कह रहे हैं एक तो याद नहीं करता, ऊपर से ढीठ भी है, मुस्कुरा और रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। तो गुरु जी से पकड़ कर ले गए आचार्य जी के पास, द्रोणाचार्य जी के पास, और उनसे जाकर कहा यह बालक बहुत ढीठ है, हम इसे नहीं पढ़ाए। तो बालक से पूछा क्यों रे तू ऐसा क्यों करता है, जब गुरु जी ने पाठ याद करने को दिया तो तूने याद क्यों नहीं किया। उसने कहा गुरु जी अब आधा याद हो गया, अब आधा पाठ याद हो गया। कैसे याद हुआ? बोले गुरु जी ने बताया था कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, और जब गुरु जी ने मुझे जमकर पीटा तो मुझे रत्ती भर गुरु जी पर क्रोध नहीं आया, या आधा पाठ मुझे याद हो गया है। अब अन्य परिस्थितियों में खुद को तपना है, तब जानूंगा कि मुझे पूरा पाठ याद हुआ या नहीं हुआ। इसे सुनना कहते हैं, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए यहां जो सुन रहे हो इसे ग्रहण और धारण भी करो, नहीं तो कई ऐसे होते हैं सुनकर भी ग्रहण धारण नहीं करते हैं, फिर उनका जो बनता है वो भगवान ही जाने। एक तर्क शास्त्री गुरुकुल में पढ़कर, लंबा चौड़ा पढ़कर, 20-25 साल पढ़कर जब घर आया तो मां बड़ी प्रसन्न हुई। मां ने सोचा बालक 25 साल बाद आया है, मूछ दाढ़ी निकल आई है, कितने बार पुत्र को देखा है, मां का लाड़ उमड़ाया, मां दौड़कर उसके लिए लड्डू लाई, गिलास लाई पानी का, कहा बेटा पहले तो कुछ मीठा खा ले, थकान उतार ले, उसके बाद स्नान करना, फिर बैठकर मां बेटा बात करेंगे। बालक बोला मां लड्डू तो खाऊंगा, मैं तर्क शास्त्री हूं, बिना तर्क के कोई काम नहीं करता, लड्डू तो खाऊंगा, पर ये बताइए कितने लड्डू हैं। मां ने कहा बेटा इसमें भी कौन बड़ी बात है, दो लड्डू हैं। कहा नहीं ऐसे नहीं, सिद्ध करके दो लड्डू हैं। मां ने कहा इसमें भी क्या सिद्ध करना, एक और दो। तो वो बोला एक और दो तीन। कितने सिद्ध हुए? लड्डू तो तीन सिद्ध हुए। मां बोली पागल पागल हो गया है, लड्डू दो रखे। तो कहा लेकिन मां सिद्ध तो दो नहीं हो रहे हैं, तू सिद्ध तो कर एक बार और कोशिश कर। माने फिर गिना एक और दो, लड्डू पे हाथ लगाए, ये एक और ये दो। लड़के ने कहा ठीक है एक और दो तीन, ये तो तीन हो गए। पिताजी देख रहे थे ये क्या अजीब झगड़ा चल रहा, क्या मूर्खों जैसी बातें चल रही। पर पिताजी सारा माजरा समझ गए और आकर पत्नी से बोले अरे मूर्खा लड़का पढ़ लिख कर आया, उसके साथ बहस करती है, वो तर्क शास्त्री है, वो ठीक कहता है तीन लड्डू है। मां समझी खानदान का खानदान पागल है, लड्डू तो दो रखे, इसे तीन का ही दिख रहे। पहले लड़के को तीन दिख रहे, बाप को भी तीन दिख रहे। बाप लड़के से बोला बेटा तू ठीक कहता है, लड्डू तो तीन ही है, सुन एक लड्डू तेरी मां खा लेगी, एक लड्डू मैं खा लूंगा, और तीसरा तू खा ले। ये जो ग्रहण नहीं करते ऐसे निरे तर्क शास्त्रियों के हाथ यही तीसरा लड्डू लगता है। इसलिए अपने मन में सवाल जिंदा रखो, उसे समझने का प्रयास करो। उस छोटे से बालक ने जिसका नाम नचिकेता था, उसने पिता से कहा कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? पिता ने कहा तू है। कहा तो मुझे किसे दान करोगे? अपने सवाल पर टिके रहना बहुत जरूरी है। पिता उपेक्षा करके चले गए, बालक पीछे पीछे, पिताजी मुझे किसे दोगे, पिताजी मुझे किसे दोगे, पिताजी मुझे किसे दोगे। थोड़ी देर में पिताजी को गुस्सा आ गया, और पिताजी जैसे वो नरेश जी बैठे हैं अपने, पिताजी अगर हरियाणा का हो तो क्या कहेगा जानते हो? बोले तुझे ट्रक के नीचे दूंगा। अपना अपना टॉन है, उनका अपना तरीका है। वो कह रहा है कि जी ये यात्री ने पूछ लिया कंडक्टर से, महाराज ये बस दिल्ली जाएगी? बोला हाँ दिल्ली जाएगी।
उसने कहा दिल्ली जाएगी, बोला दिल्ली जाएगी, बोले पर बंपर पर तो चंडीगढ़ लिखा है, बोले तू बंपर पे बैठ के जाएगा क्या बस में, बस दिल्ली जाएगी। पिता ने उससे इसी गुस्से में कहा, ये जो गुस्सा होता है इसी, ये जो टोन होती है, हो सकता है नचिकेता इधर का ही हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश का कहीं का। तो पिता ने गुस्से में कहा तुझे मृत्यु को दूंगा, क्रोध में कह दिया तुझे मृत्यु को दूंगा। बालक भी पक्का था, पिता ने जब निश्चय कर लिया है कि वो मुझे मृत्यु को देंगे तो ये मान लेना चाहिए कि मैं मृत्यु को दिया जा चुका, मैं मृत्यु को। अच्छे बालक अपने माता पिता की अच्छी बातों को बहुत अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। 17 साल के भगत सिंह को पिताजी ने पत्र लिखा, नेशनल कॉलेज लाहौर में एफए में पढ़ता था, हमने तेरे लिए कन्या ढूंढ ली है, विवाह की सब तैयारियां हो चुकी हैं, तो शीघ्रता से घर आ जा, तेरा विवाह करना चाहते। तो भगत सिंह ने पत्र लिखा, मेरे आज भी पत्र याद है, भगत सिंह ने पत्र लिखा, ध्यान से सुनना और यह भी समझने का प्रयास करना भगत सिंह किन सिद्धांतों में श्रद्धा रखता था। भगत सिंह पत्र शुरू करता है, पत्र की पुस्तक आती है 1200-1200 रुपए की आ जाएगी, कभी खरीद के पढ़ना, भगत सिंह के सारे पत्र संकलित हैं उसमें, छोटा सा पत्र है, शुरू करता है प्रतिष्ठा देखो पत्र की, कहता है नमस्ते पिताजी। क्या कहा? अगर वो सरदारों वाले सिद्धांतों में श्रद्धा रखता तो क्या लिखता? सत श्री अकाल पिताजी। क्या लिखता? सत श्री अकाल। पिताजी भी नहीं, कुछ और कहता हो तो, जो कहते होंगे बाबूजी वाबूजी जो भी कहते होंगे, लेकिन उसने कहा नमस्ते पिताजी, और नमस्ते पिताजी कहकर अपनी पत्र शुरू करता है। कहता है आपके याद होगा कि 5 वर्ष की आयु में दादा ने मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करवाया था, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करते समय आपसे, मेरे दादा से कहा था कि आपको देश के लिए वक्फ करना चाहिए, वक्फ मतलब दान करना चाहिए। तो दादा ने पूछा कि दान कितना किया जाता है, तो उन्होंने कहा कि दशांश दान करना चाहिए। तब दादा ने अपने पुत्रों की संख्या गिनकर मुझे और मेरे एक चाचा के लड़के को देश के लिए वक्फ कर दिया था, अरबी भाषा ज्यादा चलती थी उन समय, वक्फ मतलब दान कर दिया था। पर कहता है लिहाजा दुनियावी ख्वाहिशात मेरे लिए भविष्य कशिश नहीं है, दुनियावी ख्वाहिशात मतलब दुनिया के सुख, दुनिया का ऐश्वर्य मेरे लिए भविष्य कशिश मतलब वो मुझे खींचते नहीं अपनी ओर, आकर्षित नहीं करते हैं, मैं वक्फ की जा चुकी वस्तु हूं, मेरी उम्मीद छोड़ दें, मैं देश के लिए काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मेरा प्रणाम, नमस्ते पिताजी, पत्र समाप्त। इतना सा पत्र है। अच्छे बालक अपने माता पिता की बातों को किस हद तक अपने हृदय में धारण करते हैं भगत सिंह बताता। नचिकेता को पिता ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं, बालक ने कहा तब तो मैं मृत्यु को दिया जा चुका, और बालक नंगे पांव उसी समय घर से निकल पड़ा, रास्ते में जो मिलता उससे पूछता मृत्यु कहां मिलेंगे, मृत्यु कहां मिलेंगे, मुझे मृत्यु के पास जाना है, पिता ने मृत्यु के पास भेज दिया। बालक चलता गया चलता गया चलता गया, और उस समय एक प्रसिद्ध आचार्य थे, उनका नाम मृत्यु था। वो इतने कठोर थे, जैसे बच्चे नाम रख देते ना अपने अध्यापकों के, बच्चे क्या करते हैं ना, तुमने भी रखे हैं कि नहीं रखे हैं? मेरे एक अध्यापक, मैं पहले अध्यापक था, और मेरे एक अध्यापक मित्र थे, तोषण नाम था, मुनि जी जानते हैं, तो हम दोनों पक्के दोस्त थे, इकट्ठा रहते थे, तो हमारा नाम बच्चों ने विद्यालय में रख दिया दोस्ती नंबर एक दोस्ती नंबर दो, मैं नंबर एक था वो नंबर दो था, तो वो नाम रख देते हैं, अब दोस्ती छूट गया फिर हमारे नाम रह गए नंबर एक नंबर दो। तो बालक क्या करते हैं अपने अध्यापक का नाम रख देते हैं, हमारे एक अध्यापक थे उन्हें हमारे बच्चे जो हैं विद्यालय में बच्चे जो हैं वो लालटेन कहते थे, नाम रख दिया, ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं, बच्चों का क्या भरोसा क्या नाम रख दे। उस समय एक आचार्य थे जो बहुत कठोर थे, उनका नाम मृत्यु था, और वो इसलिए था क्योंकि उनके पास जाते हुए बच्चों को मृत्यु जैसा डर लगता था, बहुत कठोर व्यक्ति थे। तो बालक उनके द्वार पर जा पहुंचा, द्वार खटखटाया, गुरुजी की पत्नी यानी गुरु माता वो द्वार पर आई, उन्होंने कहा हाँ बेटू, हाँ ब्रह्मचारी, क्या चाहिए? तो ब्रह्मचारी ने कहा मुझे आचार्य मृत्यु से मिलना है। तो कहा बेटा वो तो बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं है, 3 दिवस के बाद आएंगे, तो भीतर आ, अतिथिशाला में रुक, भोजन कर, विश्राम कर, 3 दिन बाद आचार्य से मिल लेना। बटुक बोला ना, न द्वार के भीतर पैर रखूंगा, न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल की एक बूंद ग्रहण कर लूंगा, जब तक आचार्य नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी ग्रहण करने वाला नहीं हूं। और 3 दिन तक ये बटुक भूखा प्यासा, सब पूछते रहे लेकिन 3 दिन तक ये ब्रह्मचारी भूखा प्यासा मृत्यु के द्वार पर बैठा रहा। यहां एक बात समझ लेना,
हमारे यहाँ गुरुकुलों में पहले जब विद्या शुरू होती थी तो विद्या के समय एक संस्कार होता था, संस्कार का नाम था उपनयन संस्कार। क्या नाम था? और उपनयन संस्कार के समय ब्रह्मचारी जब तक छात्र नहीं होता था आचार्य का, तब तक 3 दिन का उपवास करता था, आज भी करता है। जैसे हमारे गुरुकुल में जिस दिन उपनयन संस्कार होगा तो उससे पहले हमारा छात्र 3 दिन तक भूखा रहेगा, वो केवल गो दुग्ध के अलावा कुछ नहीं ग्रहण कर सकता, और गो दुग्ध भी 1 गिलास प्रातः और 1 गिलास सायंकाल, बस इतना गो दुग्ध ग्रहण करता है, 3 दिन तक भूखा प्यासा रहता है, तब उसका उपनयन संस्कार होता है। यहाँ भाव साम्य मिला लेना, बटुक 3 दिन तक भूखा बैठा रहा, 3रे दिन आचार्य आए और आचार्य ने उससे आकर पूछा कि बेटा तू 3 दिन से बैठा है, तेरी माता जी ने कितनी बार तुझसे कहा कि भोजन कर ले, तूने भोजन नहीं किया, 3 दिन तक तू बैठा रहा, कैसे बैठा रहा, तूने 3 दिन में क्या खाया, पहले दिन क्या खाया? तो बटुक कहता है पहले दिन आचार्य मैं आपकी प्रजा खा गया। पहले दिन क्या खा गया? प्रजा खा गया। दूसरे दिन क्या खाया? कहा दूसरे दिन में आपकी संपत्ति और आपके पशु खा गया। तीसरे दिन क्या खाया? कहा तीसरे दिन में आपकी प्रतिष्ठा खा गया। यहां समझने का प्रयास करना कि अगर किसी के द्वार पर कोई ब्राह्मण 3 दिवस तक भूखा बैठा रहे या भूखा बैठा रहे तो वो खामखा भूखा नहीं बैठा रहता, वो कुछ खाता रहता है। और क्या खाता है? वो तुम्हारा यश खा जाएगा, तुम्हारा मान खा जाएगा, तुम्हारा जीवन खा जाएगा, तुम्हारी प्रजा खा जाएगा। तुम्हें लग रहा है वो भूखा है, वो भूखा नहीं, वो बहुत कुछ खा रहा है। इसलिए द्वार पर आया ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए, उसे निश्चित रूप से सब प्रकार से ब्राह्मण की ने कहते हैं सन्यासी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, ये ब्राह्मण कहलाते हैं। तो सन्यासी तुम्हारे द्वार पर आए तो सूचना देकर नहीं आता। सन्यासी कैसे आता है? ये तो इनका एहसान मानो कि सूचना देकर आते हैं फोन करके फला दिन आऊंगा, लेकिन अतिथि कहते हैं सन्यासी को। क्या कहते हैं दूसरा नाम क्या सन्यासी का? इसकी तिथि नहीं आने की, वो अचानक आ धमकता है और अचानक आ धमके अतिथि की प्राण से रक्षा करनी चाहिए, उसका सब प्रकार से भोजन से छादन से सब प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा धन से आदि से सब प्रकार से उसकी शुश्रूषा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बालक यहां बैठा था, आचार्य ने पूछा कि बेटा तू 3 दिन तक भूखा बैठा रहा, मैं तुझे 3 वर देता हूं, तू 3 वर मांग ले। मैं आपको शिक्षा के ऊपर ये बता रहा हूं कि शिक्षा किसे कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करना। आचार्य ने कहा तू 3 वर मांग ले। बालक ने कहा ठीक है 3 वर मांग लेता हूं। आचार्य कहा पहला वर तो मुझे ये दे दो कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझ पर ज्यों के त्यों प्रसन्न हो जाएं। पिता ने आचार्य ने कहा तथास्तु। तथास्तु का मतलब ये नहीं हाथ में से किरणें निकलेंगी और सब संपन्न हो जाएगा, मतलब आचार्य ने कहा मैं तेरे पिता को समझा दूंगा, मैं तेरे पिता को समझा दूंगा। दूसरा कहा अब क्या जानना चाहता है? कहा अग्नि विद्या जानना चाहता हूं। अग्नि विद्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, ये जानना चाहता हूं। तो कहा ठीक है ये भी बताएंगे। और अग्नि विद्या का कठोपनिषद में यजुर्वेद की एक शाखा है कठशाखा, कठशाखा का उपनिषद है कठोपनिषद, उस कठोपनिषद में विस्तृत वर्णन है जो नचिकेता को आचार्य यम ने पढ़ाया, मृत्यु ने पढ़ाया। उसके बाद तीसरा वर्ग, तो छात्र ने तीसरे वर्ग के बाद बारे में कहा कि आचार्य मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। मृत्यु के बाद जो आत्मा है उस आत्मा का क्या होता है, आत्मा क्या है, मैं इस आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता हूं। आचार्य ने कहा बेटा ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ऐसे सवाल में मत उलझ, तू कोई और सवाल पूछ ले। बालक ने कहा ना यही पूछूंगा। दृढ़ता देखो, पहली चीज मनुष्य के पास क्या होना चाहिए, सवाल, और दूसरी चीज है सवाल में क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता देखो मैं यही सवाल पूछना है। आचार्य ने कहा बेटा इस प्रश्न के संबंध में तो देवताओं को भी संदेह हुआ था। देवता किसे कहते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण कहता है विद्वान सो ही देवा, विद्वान ही देवता होता है, जो विद्वान है उसी का नाम क्या है, देवता। हालांकि देवो दानादवाद यौतनादवाद दीपनादवाद यू स्थाने भक्ति इति वा देवा, ऐसे 33 कोटि देवता होते हैं, लेकिन यहां कहते हैं विद्वान सो ही देवा, जो विद्वान है वही देवता है। तो कहा जो विद्वान लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत लर्निड लोग हैं साइंस के और दूसरे क्षेत्रों के, जो फिजिकल मेटाफिजिकल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन सबको भी इस आत्मा के संबंध में संदेह हुआ था, ये तेरे जानने लायक नहीं है, तू इसे छोड़ दे। छात्र कहता है ना अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अरे जब ऐसे ऐसे विद्वानों को भी संदेह हो गया और मेरे सामने ऐसा विद्वान उपस्थित है जो इसे कह सकता है तो फिर तो छोड़ूंगा नहीं।
आचार्य ने सोचा मानेगा नहीं, इसे कुछ लालच देते हैं। आचार्य ने कहा बेटा ऐसा है तू चॉकलेट खा ले है? तो उस समय चॉकलेट नहीं कहते, धन वैभव कहते हैं कि धन ले ले, वैभव ले ले, ले ले। तो बालक कहता ना ना गलत फहमी, आप चॉकलेट खाने नहीं आया, आत्मा क्या है ये जानने आया, ये जनाओ मुझे कि आत्मा किसे कहते हैं। आचार्य समझ गए पक्का ब्राह्मण है, मानने को नहीं नरेश जी यू को ना मान रहे। तो फिर वो क्या करे, चॉकलेट का डब्बा उठा लाए और डब्बा उठा के लाके बोले तू पूरा ले ले, बोले ना नहीं लूंगा। फिर उन्होंने लालच दिया संसार में सबसे सुंदर स्त्रियां तेरे राज्य में रहें ऐसा वर मांग ले, इच्छा मृत्यु का वर मांग ले, संसार का सारा वैभव धन मांग ले, लेकिन ये प्रश्न पूछ। बालक कहता है अगर ये इतना मूल्यवान प्रश्न है कि संसार का सारा वैभव इसका मूल्य बनता है और तुम मुझे देने को तैयार हो और उससे भी महंगा है, तब तो मैं इस प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, बताओ मुझे किसे कहते। तब आचार्य ने जब निश्चय कर लिया कि छात्र प्रश्न का उत्तर देने के लायक है, तब उन्होंने कहा कि तू उपयुक्त पात्र है, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुझे आत्मा के विषय में कथन करता हूं। विद्या अपना स्वरूप उसके सामने रखती है जिसके पास सवाल होता है, जिसके पास सवाल। तुम्हारे पास सवाल नहीं तो विद्या तुम्हारे सामने स्वरूप नहीं रखती है। tan theta is equal to sin theta upon cos theta, cot theta is equal to cos theta upon sin theta। आज तक पता नहीं चला tan theta किसकी माँ है और sin theta किसका बाप है, पता चला? तुम्हें पढ़ाते हैं a plus b का whole square is equal to a square plus b square, मुझे तो नहीं पता है पर तुम तो यही पढ़े हो ना। अपन तो सातौते तमतौतान वाले हैं, है? अपन तो उधर वृद्धि राधे चते गुणाई को गुणो दीना दातु लोपाल दातु के किंगी दी जाती दीवे बिना मलवन दा संयोग हम तो रटते रहते। अच्छा आपको लगता है पता नहीं बेचारा क्या क्या कह रहा है, आपको तो संस्कृत समझ में नहीं आती, आपको लगता है पता नहीं क्या क्या बोल रहे, पर आप तो ये सब पढ़ते हो tan theta cos theta, ये tan theta cos theta तुम मुझे बताओ तुम्हारे जीवन में कहां उपयोग हुआ है। भाई राजीव दीक्षित जी अपने एक वक्तव्य में कहते थे कि ये tan theta cos theta मैंने जमकर पढ़ा है, आवाज आ रही है मेरी, इसकी जरूरत नहीं है, आवाज आ रही है मेरी। भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे मैंने इंजीनियरिंग पास किया है और इंजीनियरिंग भी ढंग से पास किया, यू नहीं पास किया कि भाई इसे पास कर लिया थोड़ा बहुत, कहते ढंग से मैंने इसे पास किया है, तब भी ये tan theta cos theta का मेरे जीवन में क्या उपयोग है मुझे आज तक पता नहीं चला, पता ही नहीं चला है कि मेरे जीवन में क्या उपयोग है। मुख्य चीज यह है कि हमारी शिक्षा में से हमसे जो कुछ छीना गया वो छीना गया सवाल, और बताया गया गलत। कैसे गलत बताया गया? अच्छा ये बताओ तुम कौन लोग हो, अपनी अपनी जाति बताओ, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो। आप ताज्जुब करोगे ये जातियां भारत में कभी थी ही नहीं, भारत में तो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण कितने होते हैं, चार वर्ण होते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र भी नहीं होता, आश्चर्य तो यह शूद्र कोई वर्ण होता ही नहीं है स्वतंत्र वर्ण, वर्ण तो तीन ही है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य है। अब ये जो शूद्र है जिसे तुम गिन रहे हो, शूद्र कहते सेवा करने वाला, तो या तो यह ब्राह्मण की सेवा कर रहा होगा, हा ना बोलो, या तो यह क्षत्रिय की सेवा कर रहा होगा और या तो ये वैश्य की सेवा कर रहा होगा, इन तीन के अलावा कोई है ही नहीं और किसकी सेवा करेगा। इसका मतलब ये है इन्हीं तीन वर्णों के अंतर्गत आश्रित वर्ण शूद्र है, और ये आश्रित वर्ण शूद्र उत्पन्न होकर बढ़कर विद्या से इन्हीं इन्हीं वर्णों में बदल जाता है। ये ब्राह्मण का शूद्र है तो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय का शूद्र है तो क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य का शूद्र है तो वैश्य। उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण दे देता हूं, ऋषि जैमिनी छह दर्शन है भारत में, जिनमें से न्याय दर्शन जो आठ प्रमाणों पर चर्चा करता है, न्याय दर्शन को लिखने वाले ऋषि जैमिनी एक चांडाल कुल में पैदा हुए थे, लेकिन चांडाल कुल उत्पन्न जैमिनी ऋषि उत्तम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से ऊपर बढ़कर ऋषि बने, बने कि नहीं बने? गिरना सुनो, रावण किसके घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में, किसके घर में पैदा हुआ, गिरा तो क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र भी नहीं बचा, उससे भी नीचे चला गया, लोगों ने राक्षस कहकर पुकारा, हां के ना। ऋषि विश्वामित्र ऋषि होने से पहले क्या थे, क्षत्रिय, राजा थे कि नहीं, राजा थे, और ऋषि वो हो सकता, सन्यासी कौन हो सकता, सन्यासी केवल ब्राह्मण, सन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को, इसका मतलब ये है जब उन्होंने सन्यास लिया उससे पहले उन्होंने क्षत्रिय से उठकर क्या वर्ण धारण किया, ब्राह्मण वर्ण धारण किया, और ब्राह्मण वर्ण धारण करके फिर वो ऋषि हो गए। इन्हीं ऋषि विश्वामित्र के पुत्र शूद्र हो गए, दस पुत्र थे इनके, दस के दस पुत्र शूद्र हो गए,
अर्थात जो जैसा गुणकर्म स्वभाव धारण करता है वैसा ही बन जाता है। हमारे यहां 16 संस्कारों में एक संस्कार आता है, समावर्तन संस्कार। जब गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होती थी तो छात्र जाता था अपने घर, लेकिन घर जाने से पहले आचार्य उसका समावर्तन संस्कार करता था और इसी समावर्तन संस्कार पर घोषित करता था कि आज से तेरा वर्ण ये होगा। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्चैते, कि जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कारों से फिर द्विज होते हैं। मैं इसे प्रक्षिप्त श्लोक मानता हूं, गलत श्लोक मानता हूं, यह मुसलमानों की मिलावट है, क्योंकि ऋषियों ने कहा है समावर्तन संस्कार से पहले किसी का कोई वर्ण नहीं है, जिस कुल से आया है उसी वर्ण में गिना जाएगा और समावर्तन संस्कार पर माना जाएगा कि अब समावर्तन संस्कार हुआ है, आज मैं तेरा वर्ण घोषित करूंगा कि तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर से आया है, योग्यता प्राप्त नहीं किया तो ब्राह्मण ही हो सकता है। समझ में आ रही है बात? एक सच्चे ब्राह्मण की जो सेवा करेगा वो उस सच्चे ब्राह्मण का शूद्र है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति आदि गुरु शंकराचार्य की सेवा करता है तो आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने दुनिया के सारे मत मतांतरों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी, इतना विद्वान व्यक्ति, उसकी सेवा करता है एक आदमी, तो उसकी पुस्तकें उठाकर रखेगा? हाँ ना, बोलो। उसके बोले हुए को लिखेगा? वो संस्कृत में धारा प्रवाह बोल रहा है, ये धारा प्रवाह लिखेगा? वो संस्कृत में बात कर रहा है, संस्कृत में बात करेगा? इसका मतलब ब्राह्मण का शूद्र सामान्य शूद्र नहीं होता, वो बहुत विद्वान होता है। तो एक वैश्य के शूद्र में और एक ब्राह्मण के शूद्र में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसका मतलब शूद्रों की सबकी योग्यता अलग अलग होती है और इसी तरह वैश्यों की योग्यता अलग अलग होती है, क्षत्रियों की योग्यता भी अलग अलग होती है और ब्राह्मणों की योग्यता भी अलग अलग होती है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था जो आज है ये उस वर्ण व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। हमारे पास प्रश्न नहीं है इसलिए हम जानते नहीं। उदाहरण देता हूं आपको, प्रश्न कैसे छीना गया हमसे, उदाहरण देता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, तुमने एक कमीशन का नाम सुना? एक कमीशन आया था जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। क्या नाम था? क्या नाम बताओ? साइमन कमीशन में क्या था? तुम्हें साइमन कमीशन इतिहास में पढ़ाया गया लेकिन तुमसे यह छिपा लिया गया कि साइमन कमीशन के भीतर तथ्य क्या था, और तुम्हें केवल सवाल तुमसे छीन लिया। तुम सवाल पूछते, तुम्हें कहा साइमन कमीशन आया था, तुम क्या कहते हो? क्लास में बच्चों को देखना, वो एक स्वर मिला के कहते हैं यस सर, यस मैडम, हां के ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? सम्मेलित स्वर में बोलते हैं। उन्हें साइमन कमीशन में बताया गया ये 7 ब्रिटिश सांसद थे और इन 7 ब्रिटिश सांसदों के कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया। जब भारत में आया तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। ना तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठा कि साइमन कमीशन में क्या था, ना तो यह प्रश्न उठा कि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, साइमन कमीशन में ऐसी क्या खराब चीजें थी जिसके कारण भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन इस देश में आया वो पहला राजपत्र है, चुनौती देकर कहता हूं ये पहला सरकारी गजट है, पहला सरकारी पत्र है जिस पर पहली बार लिखित रूप में जातियां उल्लिखित की गई। इससे पहले भारत के किसी राजा, किसी राज्य, किसी गणराज्य, किसी महाराज्य, किसी साम्राज्य, किसी स्थान पर भी किसी संविधान में जातियां कागज पर उल्लिखित नहीं थी, लिखित में कहीं जातियां उल्लिखित नहीं थी। ये मानता हूं कि वर्ग भेद था समाज के भीतर, लेकिन वो वर्ग भेद होने के बाद भी जातियां नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। आज से 2500 साल पहले, 1000 साल पहले मुसलमान आए। पहला मुसलमान कौन सी तारीख में आया? कौन था पहला मुसलमान जिसने हमला किया? है बिन कासिम, मोहम्मद नाम था उसका। बिन का मतलब होता है सन ऑफ, और कासिम उसके बाप का नाम था, मोहम्मद सन ऑफ कासिम, ऐसे बनता है मोहम्मद बिन कासिम। असल में कासिम का लड़का मोहम्मद पहला हमलावर नहीं है, इससे पहले भी 10 या 11 हमले हैं, पहला सफल हमला माना जाता है ये। लेकिन मैं कहता हूं 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उससे पहले अगर मैं जाऊं तो 2500 साल पहले एक राजकुमार था शुद्धोदन का पुत्र सिद्धार्थ, जो बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने संन्यास लिया और संन्यास लेने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए व्यक्ति? ब्राह्मण होना चाहिए। किसके घर में पैदा हुआ था? क्षत्रिय के। काम भी क्या करता था? राजकुमार था, लड़ने लड़ाने का काम करता था, इसका मतलब क्षत्रिय था। अब क्षत्रिय का बालक ब्राह्मण बनकर सन्यासी हुआ, बोलो वर्ण परिवर्तन का विधान था कि नहीं था? हाँ ना, बोल पड़ो। उदाहरण बिखरे पड़े हैं कितने वर्ण। इसी काल में, इसके भी बाद के काल में एलूश नाम का एक अपराधी का पुत्र
ऋषित्व को प्राप्त हुआ। और इसी के साथ में अगर आप देखो, सावधानी पूर्वक देखो, एक वेश्या का पुत्र था जिसका नाम था सत्यकाम। वो पढ़ने जब जाता था आचार्यों के पास, तो आचार्य उससे पूछते कि तेरा गोत्र क्या है, और वो वेश्या का पुत्र था, उसे गोत्र का कहां से पता होगा। वो बेचारे को गोत्र का पता नहीं था, लजाकर वहां से भाग जाता और पढ़ नहीं पाता, लेकिन पढ़ने की इच्छा बहुत थी। एक दिन एक प्रसिद्ध आचार्य आए तो उनके पास गया, उनसे कहा पढ़ने की बहुत इच्छा है आचार्य, लेकिन कोई पढ़ाता नहीं, लोग पूछते तेरा गोत्र क्या है, लज्जावश में बता नहीं पाता, मैं दौड़ जाता हूं, इसलिए मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या कृपा कर आप मुझे विद्या देंगे। आचार्य ने कहा जा पुत्र, तू अपनी मां के पास जा, उससे आज गोत्र पूछना, और गोत्र पूछकर वापस लौट कर आ, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा, वो बताए तब भी आना, ना बताए तब भी लौट आना। बालक मां के पास गया, मां का नाम था जबाला। मां से जाकर कहा कि मां आज तो तू मुझे साक्षात केजरीवाल समझ धरने पे बैठ गया हूं, या तो तू आज गोत्र बताएगी, और गोत्र नहीं बताएगी तो यही प्राण दे दूंगा। मां ने कहा जा अपने आचार्य से जाकर कहना कि युवावस्था में मेरी माता ने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए वो नहीं जानती कि मेरे पिता कौन है और मेरा गोत्र क्या है। बालक ने जस की तस बात आकर अपने आचार्य को बताई। आचार्य ने कहा कोई बात नहीं पुत्र, अपनी मां का नाम बता। उसने कहा मेरी मां का नाम जबाला है। तो उसने कहा जा आज से तुझे सत्यकाम जाबाल के नाम से जाना जाएगा, और सत्यकाम जाबाल हमारे उपनिषदों में एक प्रसिद्ध ऋषि के रूप में प्रसिद्ध है। वेश्या के गर्भ से उत्पन्न बालक भी ऋषित्व को प्राप्त हुआ। हमारे यहां उठने और गिरने की परंपराएं रही, लेकिन हमारे पास सवाल नहीं होने से इन परंपराओं को हमसे छीन लिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि मैकॉले ने जब इस देश की एजुकेशन को बदला 1835 से 1855 के बीच में, तो उसने एजुकेशन में क्या चेंजेस किए। कुछ लोग कहते हैं फिजिक्स ले आया, केमिस्ट्री ले आया, मैथमेटिक्स ले आया। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लाया तो वो इंजीनियरिंग भगवान श्रीराम ने कहां से पढ़ी थी है? अरे सोचो, गुरुत्वाकर्षण के मान की खोज दशमलव के 16 अंकों तक बिना किसी कंप्यूटर के आचार्य भास्कर ने न्यूटन के पैदा होने से 1000 साल पहले कर दी। और जब खोज कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण मेरे बाप की बपोती नहीं है, मेरा मौलिक विचार नहीं है, ये तो मुझे ऋषि मुनियों से मिला है, क्योंकि उनसे पहले लाखों साल पहले उत्पन्न हुए ऋषि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण का स्पष्ट उल्लेख अपने ग्रंथों में किया। ऋषि कणाद कहते हैं गुरुत्वाकर्षण मैं नहीं जानता, गुरुत्वाकर्षण तो वेद में है और वेद ईश्वर की वाणी है। वेद किसकी वाणी है? ईश्वर की वाणी है। मैंने तुमसे कहा था ना, एक बात शुरू से लेके आया था, यार जोड़ो उस बात को, मेरे पास मेरा कोई मौलिक विचार, मुझे मेरे गुरु से या आसपास के समाज से यह विचार मिला है, और उन्हें भी ये किसी और से मिला है, और उन्हें भी किसी और से मिला है, तो इसका अंतिम स्रोत क्या बनता है? परमपिता परमात्मा। उसी परमपिता परमात्मा की वाणी है वेद। यह वेद बताता है गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विदेम। यहां प्रश्न है कि आखिर अंतरिक्ष में यह ग्रह उपग्रह तारामंडल कैसे टिका है। तो कहते हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, कैसे टिके हैं ये सारे भूत, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल के कारण अंतरिक्ष में टिके हुए हैं, इनमें परस्पर आकर्षण बल है, ये इसलिए टिके हुए हैं। आचार्य भास्कर नाम के आचार्य जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के मान की खोज की दशमलव के 16 अंकों तक, 10 साल की अपनी पुत्री खेलती हुई पुत्री पिता से पूछ रही है, पिता गेंद को ऊपर फेंकती हूं बार बार नीचे आ रही है, क्यों आ जाती है? मैंने भैया से फिकवाई कि अब की बार लौट कर ना, इतनी दूर फेंक दे, उसने फेंका, दूर गई गेंद लेकिन लौट कर फिर आ गई, ऐसा क्यों है पिता? तो पिता कहते हैं धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा, वो खींच रही है अपनी ओर। पिता धरती में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे उत्पन्न हुआ? कहा इसके घनत्व से उत्पन्न हुआ। पिता इतने घनत्व की पृथ्वी आकाश में कैसे टिकी है? कहा बेटा ये गुरुत्वाकर्षण के कारण टिकी है। गुरुत्वाकर्षण कैसे पैदा होता है? घनत्व से पैदा होता है। स्थैर्य कैसे पैदा होता है? वो चक्रण और घूर्णन से पैदा होता है। आचार्य भास्कर अपनी बच्ची को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सुनो तो 10 साल की बच्ची को आचार्य भास्कर क्या पढ़ा रहे हैं? क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और तुम्हारी 10 साल की बच्ची को स्कूल में पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तुम्हारी छोटी सी बच्ची को गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां 10 साल की बच्ची दुनिया का सबसे गहरा साइंस पढ़ रही है। ये मूलभूत अंतर है भारतीय शिक्षा का और आज की शिक्षा का। हमारी शिक्षा में बच्चों को कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते थे, हमारी शिक्षा में बच्चों को केवल सवाल हल करना नहीं सिखाया जाता था, सवाल उत्पन्न करना सिखाया जाता था। अगर तुम्हारे बच्चे सवाल बनाना नहीं जानते तो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। सीखना क्या है? उत्तर या सवाल? प्रश्न सीखना। जिसके पास प्रश्न नहीं है वो मैंने तुम्हें बता दिया कौन सा है,
जिसके पास प्रश्न नहीं है भैया वो चिड़िया है, क्योंकि चिड़िया के पास प्रश्न नहीं होता है। वो गधा है, उसके पास प्रश्न नहीं होता है। वो तो ऐसा पशु है जिसके पास प्रश्न नहीं होता है। जिसके पास प्रश्न है वही मनुष्य है। इस मनुष्य को तब मनुष्य कहते हैं जब इसके पास प्रश्न होता है। अब एक आखिरी प्रश्न का उत्तर आप मुझे दो। हम जो कुछ पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इस सारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सीधा प्रश्न पूछता हूं, आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य ढूंढो। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा एक और प्रश्न बताओ मुझे, ये प्रश्न बाद में लेते हैं, अभी इसे सुरक्षित रख लेते हैं। एक और प्रश्न लेता हूं, शिक्षा और विद्या एक ही है या अलग अलग है? है? अच्छा विद्यालय में तुम्हें क्या मिलती है? शिक्षा। और ताज्जुब की बात तो यह, मैंने विद्यालय में देखा लिखा हुआ, उन्होंने द्वार पर ही लिख रखा था, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, और ऊपर लिखा विद्यालय। नाम विद्यालय और आइए शिक्षार्थ। क्यों विद्यार्थ क्यों ना हो? अच्छा विद्या और शिक्षा अलग अलग है कि एक ही है? है? सुनो ध्यान से, शिक्षा और विद्या दोनों में प्रचुर अंतर है। विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या या विमुक्तये, जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम क्या है? विद्या है। जो बंधनों में बांधती है उसका नाम विद्या नहीं है। विद्या वो जो तुम्हें बंधनों से छुड़ा दे, तुम कहां हो? तो ऋषि कपिल कहते हैं, अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। संसार में जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। हर सुख के पीछे क्या खड़ा है देख लो, जांच कर लेते हैं। है? ये बच्चे बैठे हैं, देखो बच्चों क्या स्वादिष्ट लगता है तुम्हें। लड़कियां बैठी हैं, बोलो क्या स्वादिष्ट लगता है बेटा? रसगुल्ला? नहीं तुम्हें तो नहीं, तुम्हें चाउमीन अच्छा लगता होगा, या बर्गर, या हॉट डॉग, या कुछ और ऐसा ही। आजकल वो होता है क्या, मम्मीज? अच्छा मोमोज होता है। जब नहीं पता चलता माँ का नाम है कि खाने का नाम है। आजकल माँ को लोग मम्मी कहने लगे, मम्मी का भी मम हो गया है, और पिता को पॉप्स, डैडी, डैडी से डैड खत्म ही हो गया काम ही। डैड, मैं दिल्ली में गया तो एक घर में वो कह रहे थे डैडा, और इससे भी आगे एक बच्ची अपने पिता को, एक बच्ची अपने घर में आवाज़ है डैडू डैडू। तो मैंने पूछा बहन जी आपने कुत्ता पाल रखा है? तो बोले नहीं कुत्ता तो नहीं पाला। मैंने कहा तुम्हारी बच्ची बुला रही है कुत्ते को, कह रही है डैडू डैडू? बोले नहीं वो तो अपने पिताजी को बुला रही है, तो उसे पिताजी बुलवाओ, है उसका क्या बन दिया। तो इसलिए पता नहीं चलता मम्मीज है कि मोमोज है। अच्छा वो मोमोज होगा, खाने की चीजें होती हैं, लोग उन्हें खा लेते हैं, अच्छा स्वाद आता है। मैं बात कर रहा हूं हर सुख के पीछे दुख कैसे खड़ा है। रसगुल्ला खाया कैसा लगता है? आंखें बंद हो जाती हैं, आहा आनंद आ गया। लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा, रसगुल्ला समाप्त, और रसगुल्ला समाप्त होकर कहां गया? पेट में, और स्वाद भी समाप्त। अब अगर फिर से स्वाद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक और रसगुल्ला खाना पड़ेगा। मेरे पिताजी को डायबिटीज है, मुनि जी जानते हैं, वो बहुत शुगर है उन्हें, लेकिन शुगर होने के बाद भी मीठा खाने से बाज नहीं आते। मतलब जैसे उन्होंने देखा कि आज घर में कोई नहीं है, फिर देखो घर में मीठा नहीं बचेगा। चाहे उन्हें खाली चीनी और शक्कर खानी पड़े, लेकिन मैं अपनी बहन से कहता कि ये मीठा खाते हैं, तो मेरी बहन विवाह होकर चली गई, तो बहन को पिताजी ने पटा लिया, बोले ये तो मेरे खिलाफ रहता है, षड्यंत्र करता है, और मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाता। मेरी बहन मुझसे झगड़ पड़ी, बोले तू झूठ बोलता है, पिताजी को तो इतना तपस्वी आदमी है, बिल्कुल मीठे की ओर देखते नहीं। अच्छा बहन वही थी, तो चार पांच दिन बाद मोहल्ले में एक विवाह आ गया, मैंने देखा पिताजी विवाह में उस पर खड़े, वो कढ़ाई जो होती है रसगुल्ले वाली, उस पर खड़े। मैंने दौड़कर बहन के पास गया, मैंने कहा तेरे पिता की तपस्या दिखाता हूं तुझे। मैं उसे पकड़ के लेके गया, हम दोनों जाके पीछे खड़े हो गए पिताजी के। तो पिताजी रसगुल्ले वाले से कह रहे हैं, अरे चार रख दे, बार बार आऊंगा क्या, इसमें चार रख दे, एक एक रख रहा, ये रस भी डाल इसमें, रस डाल, खूब भरवाया। और पिताजी पलटे पलटे तो चोरी एकदम सामने, पुलिस खड़ी है, तो पकड़े गए। तो पिताजी 30 सेकंड के लिए तो सन्न हो गए, काटो तो खून नहीं, लेकिन अध्यापक रहे तो अध्यापक की अपनी सनक होती, अपनी विशेषता होती, उसे लगता है तो दुनिया में सबसे होशियार आदमी है। तो 30 सेकंड बाद गुस्सा आ गया और बोले
तो क्या मर जाऊं मैं? तो मेरी बहन बोली कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, हम तो चुप खड़े, हम तो तपस्या देख रहे आए थे आपके। रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले का स्वाद खत्म, सुख खत्म। अब क्या करना पड़ेगा? एक रसगुल्ला और खाना पड़ेगा, ये भी चला जाएगा, इसका भी सुख खत्म। अगर आपको स्वाद चाहिए तो आपको बार बार, लेकिन ध्यान से मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, 20वें रसगुल्ले में वो सुख नहीं होगा जो, हाँ के ना, ऐसा है कि नहीं? और सुनो, एक समय तो ऐसा आएगा रसगुल्ला खाते खाते कि लोग रसगुल्ला लेकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम डंडा उठा लोगे, बोले इसे हटा ले नहीं तो मारूंगा। जिस रसगुल्ले में सुख था उसी में क्या बन गया? दुख बन गया। ये शरीर देखो कैसा सुख है इसमें, आहा आनंद है। 20 साल का लड़का यूं कहता है, एक नहीं तीन तीन इकट्ठे आ जाओ सबको देख लूंगा। है एक पौवा जब पी लेता है तो फिर वो कहता है ये दीवार उखाड़ दूंगा, वो दीवार उखाड़ दूंगा, छत तोड़ दूंगा, जमीन फोड़ दूंगा, ताकत इतनी है। लेकिन यही लड़का जब 90 साल का हो जाता है तो चार आदमी पकड़कर चारपाई पर लिटाते हैं, चारपाई को काटकर उसके नीचे एक पोर्ट लगाना पड़ता है, भाई साहब उठकर शौचालय नहीं जा सकते। और उससे कोई पूछे कि जी शरीर में आनंद आ रहा है, बोले तू भी ले ले ऐसा आनंद। मैं तो कह रहा हूं भगवान मुझे इस शरीर से पिंड छुड़वा दे, मुझे शरीर से किसी तरह छुड़वा दे, ये शरीर मेरे लिए दुखों का घर बन गया है, ये शरीर मेरे लिए दुख का साधन बन गया है। संसार में जितने सुख हैं उन सुखों के पीछे दबे पांव क्या खड़े हैं? दुख खड़े हैं। तो कपिल क्या कहते हैं? ऋषि कपिल कहते हैं अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मनुष्य का अंतिम प्रयोजन क्या है? मनुष्य अत्यंत पुरुषार्थ का मतलब, अत्यंत का मतलब अंतिम, अत्यंत मतलब अंतिम, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। अंतिम उद्देश्य किसका? पुरुष का। पुरुष का यानी आपका, जीवात्मा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति, तीन प्रकार के दुखों का पूरी तरह निवृत्त कर देना, उन्हें पूरी तरह समाप्त कर देना, यह मनुष्य का अंतिम उद्देश्य है। इसका मतलब है विद्या कहते हैं जो बंधनों से छुड़ा दे। किसके बंधनों से? जो दुख के बंधनों से तुम्हें छुड़ा दे उसका नाम क्या है? विद्या। अच्छा ये बताओ, ये कपड़े तुमने पहन रखे हैं सुख है कि दुख है? ये दुख है, ये दुख है। ये कपड़े जब तक पहने रखोगे तब तक तुम्हारा सर्दी खांसी जुकाम बचा रहेगा। ये कपड़े तुम्हें अपना गुलाम बना लेते हैं, ये गुलाम बना लेते। इस देश में एक महापुरुष पैदा हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते थे, रोज ही जनवरी का महीना था। एक पुलिस वाला अंग्रेज रोज उन्हें देखता था, ये हिंदू सन्यासी कैसे जाता है, इतना ठंड पड़ रही है, मैं चार चार कोट पहन के खड़ा हूं, अंदर भी कई पतलून पहन रखी हैं और तब भी मेरे शरीर कांप रहा है, और ये 6.5 फुट का नंगा अवधूत, शरीर पर केवल एक लंगोट बिल्कुल नंगा, इसी तरह रहते थे। कहा ये कैसे जाता है? शरीर पर केवल राख रमाते थे और कुछ करते ही नहीं थे। तो नहाने जा रहे हैं तो उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको ठंड नहीं लगती? तो स्वामी जी ने कहा तुझे भी नहीं लगती? उसने कहा मैं तो कांप रहा हूं, हड्डियां कांप रही हैं, मुझे तो ठंड लग रही है। बोले तूने सारे शरीर पर कपड़े पहने लेकिन तेरा चेहरा खुला है, चेहरे पर ठंड नहीं लगती? तो बोला नहीं चेहरे पर ठंड नहीं लगती। कहा क्यों ठंड नहीं लगती? कहा चेहरा तो खुला ही रहता है, चेहरे की त्वचा को अभ्यास हो गया है। बोले तो मैं तो शुरू से ही खुला हुआ हूं, मैं नंगा ही रहता हूं, तो मुझे क्या हो गया है? अभ्यास हो गया है। कपड़ों ने उस अंग्रेज के लिए क्या उत्पन्न कर दिया? दुख उत्पन्न कर दिया। और सन्यासी के पास कपड़ा नहीं है तो वो सुखी है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? संसार में कुछ भी देखो तुम्हारे पास सब दुख का कारण है। अच्छा ये शरीर क्या है? दुख है, इसमें बीमारी होगी भाई। अच्छा बीमारी नहीं होगी तो भूख तो लगेगी। अब देखो कहीं को तो दुख उत्पन्न होना शुरू हो गया होगा पेट में, कहीं सोच रहे हैं अरे भैया चुप हो जा, बहुत देर हो गई है, अब जाके काम निपटा ले, स्वामी जी अच्छे आ तो इन्होंने भोजन की बात की थी, ये आदमी ठीक नहीं है, इसने यहां घेर रखा। भूख क्या, भूख क्या है बोलो? दुख। भूख क्या है? दुख है। मृत्यु क्या है? दुख है। अच्छा शरीर है तो मृत्यु होगी कि नहीं होगी? शरीर है तो मृत्यु होगी। तो इसका मतलब है जीवन होते ही क्या शुरू हो जाते हैं? जन्म होते ही। मेरी ओर ध्यान दो, बंदर तो पहले भी देखे हैं, आज मुझे देखो, मैं बंदरों से तो अच्छा ही हूं। समस्या ये भारतीय लोगों की समस्या होती है, अगर किसी नाले से कीचड़ निकालने की मशीन जैसी भी वहां लग जाए तो 1000 आदमी देखने लगते हैं ये क्या हो रहा है, जबकि उसे 1000 बार देख चुके हैं। बंदर बंदर नहीं देखो तो आता जाता रहता है, घर भी आ जाएगा किस दिन, तुम्हारे पास ही बिठा देंगे, अच्छे से देखना।
संसार में जैसे ही जन्म पाते हो क्या शुरू हो जाते हैं, कि क्या सिलसिला शुरू होता है, दुखों का। तो विद्या किसे कहते हैं, जो तुम्हें दुखों के बंधन से छुड़ा दे उसी का नाम क्या है, विद्या। अब शिक्षा सुनो किसे कहते हैं, जो इस विद्या तक तुम्हें लेकर जाए उस वाहन का नाम शिक्षा। उस वाहन का नाम क्या है, शिक्षा है। शिक्षा तुम्हें वहां तक लेकर जाती है। और यह विद्या मिलती है केवल मनुष्य को। विद्या किसे मिलती है बताओ, बंदर साधना कर सकता है, हाथी ध्यान लगा सकता है, गधा प्राणायाम कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, मनुष्य। इसका मतलब विद्या प्राप्ति करने का अधिकार केवल किसका है, मनुष्य का है। इसका मतलब है शिक्षा का काम है मनुष्य का निर्माण करना। शिक्षा का काम क्या है, मनोर्भव। शिक्षा क्या कहती है, मनोर्भव, तू मनुष्य हो जा। वेद कहता है तू मनुष्य हो जा। अब मनुष्य से कहा जा रहा है तू मनुष्य हो जा, मैं तो पहले मनुष्य हूं, मुझे क्यों कह रहे हो मनुष्य हो जा। लेकिन मनुष्य को कहा जा रहा है कि तू मनुष्य बन जा। अच्छा ये बताओ, तुमने एक व्यक्ति को बेहतरीन इंजीनियर बनाया लेकिन मनुष्य नहीं बनाया, समाज का लाभ करेगा कि हानि, बोलो। तुमने एक व्यक्ति को बेहतरीन सर्जन बनाया, कमाल के ऑपरेशन करता है, ये बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन तुमने इसे मनुष्य नहीं बनाया, ये बोलो लोगों को ठीक करेगा कि किडनी बेचेगा, किडनी बेचेगा, क्योंकि तुमने इसे मनुष्य नहीं बना। एक व्यक्ति को तुमने बेहतरीन योद्धा बनाया, बंदूक चलाना सिखाया, लेकिन मनुष्य नहीं बनाया, सिपाही बनेगा या आतंकवादी, या आतंकवादी बनेगा। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि उससे क्या बनना चाहिए, मनुष्य बनना चाहिए। भारतीय शिक्षा और इस वर्तमान चल रही पाश्चात्य शिक्षा में यह मूलभूत अंतर है कि भारतीय शिक्षा कहती है मनुष्य बनो। सोचो तुम माए बैठी हो, कन्याएं बैठी हो, सबसे बात कर रहा हूं, एक लड़की एमएससी की, इंजीनियरिंग की, एमबीबीएस की, लेकिन अच्छी गृहिणी नहीं बनी, शिक्षा पाई? एक अच्छी मां नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? एक अच्छी बेटी नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? एक अच्छी बहन नहीं बनी, क्या शिक्षा पाई? और इसी तरह एक लड़का अच्छा योद्धा बना लेकिन मनुष्य नहीं बना, एक अच्छा इंजीनियर बना लेकिन मनुष्य नहीं बना, एक अच्छा डॉक्टर बना लेकिन मनुष्य नहीं बना। शिक्षा सफल के असफल, पूरी तरह निष्फल, बोलो हां के ना है। और शिक्षा क्या बनाती है जानते हैं, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु संबना। कैसे, वेद कहता है पुत्र कैसा हो, का अनुव्रत पितु पुत्रो, पिता के व्रत को पालने वाला। पिता ने व्रत किया तुझे मृत्यु को दूंगा, ठीक है भैया चलो मृत्यु के पास, पिता ने जो व्रत किया है उसका पालने वाला। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। अच्छा राम जी को जंगल में जाने के लिए किसने कहा 14 साल के लिए, नहीं माता ने तो वर मांगे थे, कहा किसने है, किसी ने भी नहीं कहा, पूरी रामायण में किसी ने नहीं कहा। झगड़ा चल रहा था माता पिता में, मां कह रही थी 14 साल के लिए जंगल में भेज, और दशरथ कह रहे थे कि तू बहुत बुरी है, तू गलत कर रही है, मैं इसे नहीं मानता, तू कुछ और वर मांग। तो सुनो वहां अगर ध्यान से देखो ना, तो पहला वर क्या मांगता है, पहला वर रानी कैकेयी ने क्या मांगा, पहला वर मांगा कि भरत के लिए 14 वर्ष का नहीं 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 भरत के लिए मांगा राजपाट, भरत के लिए क्या मांगा, राजपाट मांगा भरत के लिए। और आप आश्चर्य करोगे, उठाकर पढ़ना वाल्मीकि रामायण, राजा दशरथ ने एक क्षण नहीं लगा काट दिया। उसी समय राजतिलक हो रहा था राम जी का, उसी समय घोषणा दिया एक क्षण, उसे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था कि राम को राज्य मिले कि नहीं मिले। लेकिन जब उसने कहा कि राम को 14 साल के लिए वनवास हो जाए, तब राजा दशरथ विचलित हो गए, बोले कुछ और मांग ले। लेकिन पुत्र के पास सूचना पहुंची, क्या सूचना पहुंची, कि पिताजी फंसे पड़े हैं और माताजी पिताजी में झगड़ा चल रहा है, किस बात पर, कि मुझे 14 साल क्या होते हैं, यूं गया और यूं आया, मां की भी बात रह जाएगी, पिता की भी बात रह जाएगी, क्या होते हैं 14 साल। लेकिन पिता के व्रत को टूटने नहीं दूंगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर, और प्राण को कैसे, उस प्राण को कैसे प्राण से निभाया, ध्यान से सुनो, 14 साल में भगवान राम ने, पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ो, किसी बस्ती, किसी नगर, किसी कॉलोनी, किसी ऐसी जगह पांव नहीं रखा जहां मनुष्य लोग रहते थे, जंगल में रहा। लंका के लोग आए पैर पकड़ लिए, सारे सांसद आए, सारे विधायक आए, सारे उद्योगपति अडानी अंबानी आए पैर पकड़ लिए, महाराज लंका में चलो आपने जीती आकर देखो तो सही, नहीं भैया वनवास है, अभी 2 दिन बचे हैं वनवास के, जब तक 14 वर्ष का वनवास है किसी राज्य में पांव नहीं रखूंगा। सुग्रीव वचन देकर भूल गए, अपने राज्य में जाकर आमोद प्रमोद में लिप्त हो गए, 4 साल बीत गए वर्षा काल के,
तब राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो जाकर धमका के आते। राम जी कहते हैं मैं तो जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मुझे कैसा आदेश मिला है? वन में रहने का, मैं वन में रहूंगा। अनुव्रत पितु पुत्र हो, पिता की आज्ञा को मानने वाला पुत्र हो, और माँ के समान, माँ का कैसा हो? कहता मात्रा भवतु सम्मना, माँ के एक समान मन वाला हो। पुत्र कैसा हो? माँ के एक समान मन वाला। आजकल भी होते हैं कि नहीं होते? आजकल भी होते हैं भारतीय परंपरा में। देखो छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा है, माँ इसे लेकर किसी के यहां गई गेस्ट होकर, वहां गई टेबल पर सामान रखा, लड्डू रखे हैं, पेड़े रखे हैं, नाना प्रकार की मिठाइयां रखी हैं, दूध रखे हैं, सूखे मेवे रखे हैं, और बालक ने जैसे ही देखा मुंह में पानी उतर आया। वो सब खाना चाहता है लेकिन खाता नहीं है, किसकी ओर देखता है? माँ की आंख में देख। माँ मना नहीं कर रही है लेकिन उसने माँ की आंख में रखी हुई ना को पढ़ लिया कि माँ की अभी हाँ नहीं। माँ ना गुस्से में है ना शांत है, कोई मतलब नहीं, माँ तो चुप बैठी है। वो बालक की आंख देखता है, कहता ना है अभी तो, अभी नहीं। अच्छा ऐसा नहीं कि जिसके घर गया वो देना नहीं चाहते। आंटी ने देख लिया कि बेचारे के मुंह में पानी आ रहा है, वो लड्डू लेके कहती है बेटा खा ले, खा ले बेटा। बालक किधर देखता है? माँ की आंख में। फिर वो क्या करती है, वो लड्डू उठा के उसके हाथ में देना चाहता है, हाथ पीछे बांध लेगा और माँ की ओर देखेगा। खाना चाहता है लेकिन अभी हाँ नहीं, आदेश नहीं हुआ है अभी। अच्छा फिर वो क्या करती है, इसके मुंह में डालना चाहती है, जिसके यहाँ गए हैं वो काकी ताई, इसके मुंह में डालना चाहती है, दांत बंद कर लेता, खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। किधर देखता है? माँ की। अब सुनो, माँ की प्रतिकृति में कोई अंतर नहीं है, माँ वैसी की वैसी बैठी है, लेकिन अचानक इसकी माँ की आंखों में कुछ बदलाव आया, जिस बदलाव को संसार का कोई मनुष्य नहीं पढ़ सकता, यही बच्चा पढ़ सकता है। अब समझ गया कि हाँ मैं बदल गई ना, अब देखो ये श्रीलंका को कैसे उजाड़ता है। अब यहां कुछ नहीं बचेगा, ये सब बर्बाद कर देगा, यहां किसी के लिए कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन मात्रा भवत सम्मना, माँ के एक समान मन वाला है। एक बालक 11 साल का खेलकर घर आया, और घर जब आया 11 साल का खेलकर, तो माँ से कहता है माँ रोटी दे दे। माँ कहती है नालायक बहुत दिन हो गए रोटी खाते खाते, यूं ही सामने देखे दूर पहाड़ी पे किला दिखाई देता है। बालक ने कहा दिखाई देता है, कहा ये किला मेरा है, कहकर माँ भीतर चली गई। बालक चट्टान पर बैठ गया और सोचता किला तो हमारा नहीं है, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि किला मेरा है? बालक ने सोचा और उसकी बात समझ में आ गई, तो अपने मित्रों के पास गया, बोला जाकर कि उस किले पर हमला करना है। बोले क्यों? कहा मेरी माँ ने कहा है कि किला मेरा है, अब ये किला आज की रात में उसका होगा, ये किला उसका होगा। बालकों ने उसकी मजाक ली, तू पागल है, हम छोटे छोटे बच्चे, हम किले पर हमला करेंगे? हंसी ली, हंसकर चले गए, बात नहीं बनी। सिपाहियों के पास गया, उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई, लोगों ने उसके साथ ठिठोली की, लेकिन एक सिपा सलार को समझाने में कामयाब हो गया। धीरे धीरे 70 सिपा सलार हो गए, और फिर इन्होंने रात के 1:30 बजे उस किले पर हमला कर दिया, 3:30 बजे तक किला जीत लिया, और जीत कर आकर माँ के पैर छूकर बोला माँ वो किला देखती है? हाँ देखती हूं, वो किला तेरा है। इसे कहते मात्रा भवतु सम्मना, दुनिया इस लड़के को शिवाजी महाराज के नाम से जानती है, छत्रपति शिवाजी महाराज। बालक को यदि मनुष्य बनाओगे वो डॉक्टर बनकर संसार का कल्याण करेगा, बालक को इंजीनियर वो मनुष्य भी बनाओगे वो संसार में वही बनकर संसार का कल्याण करेगा, लेकिन यदि तुमने बालक को मनुष्य नहीं बनाया तो वो कुछ भी नहीं बनेगा, और जो कुछ बनेगा वो संसार के लिए हानिकारक बनेगा। इसीलिए हम उस शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों से थोड़ी सी 2 मिनट की बात साझा करना चाहता हूं। मैं इस पूरे देश में एक ऐसे एजुकेशन मॉडल पर काम कर रहा हूं जो एजुकेशन मॉडल इस देश को वही देश बनाना चाहता है। मैं उस स्वदेशी नीति पर काम करने का प्रयास कर रहा हूं जो भारत को भारतीयता के आधार पर उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करे। ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे, हैं? हम इस भारत को उस स्थान पर ले जाएं जहां ये भारतीयता के साथ खड़ा हो, उसकी हम कोशिश करें। और इसके लिए हमने एक स्वदेशी शिक्षा नीति ड्राफ्ट पर काम करना शुरू किया है। मेरे साथ कुछ 30-32 प्रोफेसर हैं, 1-2 साइंटिस्ट भी हैं, वो लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं इस एजुकेशन मॉडल पे काम करने का, ठीक है? अच्छा, मैं जैसे मेरा परिचय आप लोगों के बीच में जाता है, गुरुकुल से आया, धोती बांध के आया, तो मन में थोड़ा भाव अलग प्रकार के आ जाते हैं, बेचारा जंगल में रहता होगा, उधर पत्ते बांध के झिंगे लाला करते होंगे, उधर ऐसा भाव बन जाता है। तो मैं मतलब आपकी आधुनिक शिक्षा से पढ़ा लिखा हूँ, केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाई की है आप वाली जो है एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल सब पढ़ा है मैंने, कैसे कैसे काम करता है, पाई बॉन्ड कैसे टूटता है और सिग्मा बॉन्ड कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन किधर से कुदर किधर जाता है, ये सब पढ़ा है मैंने। लेकिन इसी एजुकेशन मॉडल पर, शिक्षा नीति पर, इस एजुकेशन पॉलिसी पर हम लोग काम कर रहे हैं,
और अभी 10 दिसंबर में मेरे ही गुरुकुल में हम लोग एक शिक्षा संवाद आयोजित कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को भी निमंत्रण देता हूं, अवसर रहे तो। हालांकि आप अभी अभी शिविर से निवृत्त हुए हैं और नौकरी भी रहती है, तो मैं जानता हूं गृहस्थों की परेशानियां रहती हैं, फिर भी मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि जरूर आइएगा। ना हो तो ऑनलाइन ढूंढिएगा, शायद आपको कहीं लाइव प्रसारण उसका मिल जाए। मेरे नाम से जो लड़के चलाते हैं, मैं कुछ भी नहीं चलाता हूं जो आप देखते हैं, लेकिन जो चलता है वो मेरे ब्रह्मचारी चलाते हैं, तो उस पर आपको लाइव मिल जाएगा। योगेश भारद्वाज नाम से लाइव मिल जाएगा, या और बहुत सारे चैनल रहेंगे जिनसे लाइव मिलेगा आपको। कब है सर? 10 दिसंबर सुबह 9 बजे ये शुरू होगा। ये मुजफ्फरनगर में गुरुकुल है, आर्ष विद्याकुलम, पाणिनी आर्ष विद्याकुलम नाम है, हमारे प्रकल्प का नाम है आर्ष विद्याकुलम, जिसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो इस एजुकेशन है मुजफ्फरनगर में, जैसे आप मुजफ्फरनगर पूरा क्रॉस कर लेते हो, हरिद्वार की तरफ आते हो, तो रामपुर तिराहा है जहां उत्तराखंड का संग्राम लड़ा गया था। तो बस रामपुर तिराहे के बिल्कुल पास में ही, रामपुर तिराहे से थोड़ा और हरिद्वार की तरफ, बिल्कुल ऑन रोड गुरुकुल है पाणिनी आर्ष विद्याकुलम, बोर्ड लगा दिख जाता है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं कि वैसे तो मैं वीरेंद्र जी को, नरेश जी को और कई सारे लोगों को, स्वामी जी से मेरा आज परिचय हो गया है, अन्य लोगों को मैं जानता हूं, कई सारे लोगों को, इनसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं, मेरा वीरेंद्र जी से कोई सीधा परिचय नहीं है, मेरी एक बहन है तो वो इनकी बड़ी भारी भक्त है, तो वो सब सामान इन्हीं का मंगाती है, सब सामान इन्हीं का, मतलब वो गोधुली के बिना मत, उसके हिसाब ये है वो उसका बस चले तो वो संदूक भी गोधुली का लेके आए, लेकिन वो ये बनाते नहीं है अभी संदूक, तो वो उसका उसे घर में पड़े हुए सोफे भी बुरे लगते हैं क्योंकि उन पर गोधुली की मोहर नहीं है। और आश्चर्य ये है कि मैं कुछ खाता पकाता नहीं हूं, मेरे घर में भी सब सामान चारों तरफ आपको, लोंग भी, लोंग का एक छोटा सा पैकेट होगा वो भी गोधुली का होगा, वो सब गोधुली का होता है, मिश्री होती है, ये होता है, वो होता है, सब मेरे पास भी डाल के रखती है। तो आप लोग पहले से एक बहुत बढ़िया प्रक्रम पर काम कर रहे हो, लेकिन इस स्वदेशी शिक्षा नीति के आंदोलन के साथ जुड़िए, और इस स्वदेशी शिक्षा नीति के आंदोलन को मैं सरकार से, मैं खुली बहस के लिए तैयार होऊंगा, अभी तो समय नहीं है, लेकिन खुली बहस के लिए तैयार होऊंगा कि जो मैकॉले शिक्षा नीति है, मैं इसे खुली चुनौती देता हूं और खुली बहस करो, और मैं मेरी शिक्षा नीति पर प्रश्न आमंत्रित करता हूं, आप सारे शिक्षाविदों को लेकर बैठो, मैं सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। नहीं उत्तर दे पाता, फाड़कर कूड़े में फेंक दो, लेकिन अगर ये शिक्षा नीति वास्तविक है इस देश की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भारत के वातावरण में ज्यादा अनुकूल महसूस करेंगे या अरब के? एक अंग्रेज आदमी इंग्लैंड के क्लाइमेट में ज्यादा अनुकूलन महसूस करेगा या भारत के? इंग्लैंड के। स्वदेशी चीजें ही व्यक्ति के लिए अनुकूलन में होती हैं। हम इंग्लैंड वासियों को ये नहीं कहते आप हमारी तरह रहना शुरू करो, आप अपनी तरह रहो, वो स्वदेशीयता तुम्हें अनुकूलता देती है, उत्तमता देती है, वृद्धि देती है। भारतीय तो सिद्धांत आपको अनुकूलता देते हैं, वो सिद्धांतों में जियो। तो ये जो शिक्षा नीति है ये भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए स्वदेशी शिक्षा नीति का होना जरूरी है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जब सरकार मेरी बात न माने और मैं इस लड़ाई को उठाऊं, क्योंकि मैं एक बात तो पक्का मानता हूं कि सवाल उठाना और लड़ना ये अच्छी चीज है, और मैं अपनी बात पर तो कम से कम खड़ा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कुछ और जानता हूं कि नहीं जानता, लड़ना बहुत बढ़िया जानता हूं। तो मैं सरकार के साथ लड़ूंगा, और जिस दिन मैं लाठियों के नीचे पीटूं या सरकार मुझे पीटे, मुझे जम के पीटा जाए और गोलियां चलें और पानी की बौछारें चलें, उस दिन तुम जहां रहो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ आकर लड़ना, लेकिन जहां रहो, किसी खेत में, खलिहान में, किसी ऑफिस में, नुक्कड़ पे, नाई की दुकान पे या परचून की दुकान में, किसी शॉपिंग मॉल में या किसी पिक्चर हॉल में, वहां खड़े हुए कहना कि यह जो लड़ाई चल रही है, मैं इस लड़ाई में शामिल हूं, ये मेरी लड़ाई है, मैं इस लड़ाई का हिस्सा हूं, बस इतना कहना, हमारा आंदोलन सफल होगा। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, मैं धन्यवाद देता हूं वीरेंद्र जी का और उनकी टीम का जो यहां इस सारे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, और मैं आप लोगों को भी बधाई देता हूं कि आप सब लोग मिलकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन आजकल एजुकेशनल टूर पर जाता है? लोग तो दारू के टूर पर जाते हैं ना, मुर्गा के टूर पर जाते हैं, आप तो सामान्य चीजें भी नहीं खाते हो। आप तो मैं जानता हूं ना, क्योंकि आप में से एक मेरी बहन है, हम घर में समस्या में रहते हैं, वो हमें जो खिलाती है वो देख के ऊब आ जाती है कि क्या खिला रही है। हम कहते हैं अरे कुछ नमक का खाने को नहीं, बोले अंकुरित खा, बकवास मत कर, ये अभी अंकुरित, ये अंकुरित का समय है, ये इसका समय नहीं। अभी सुबह सुबह मैं उसके घर चला गया तो सुबह उठते ही मेरे पास एक कप लेकर आ गई, तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये आंवले का रस है, अभी निकाला। मैंने कहा क्या करना है इसका? बोले रसायन का समय है, जल्दी से पी ले चुपचाप, बकवास नहीं करनी है। तो आप लोगों ने घर घर में लोगों को बिगाड़ रखा है, तो ऐसे बिगड़े हुए लोग हमारे घर में भी आपके पहुंच गए, और आप लोग प्रयास कर रहे हो, इसके लिए आप सब लोगों को साधुवाद, बहुत धन्यवाद।
और स्वामी जी को भी मैं इस चीज के लिए साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, प्रशस्ति भी इनकी पढ़ता हूँ कि आपके ऐसे संरक्षण में ये सारा कार्य चल रहा है। तो आपका आशीर्वाद, ये वास्तव में आप भारतीय संस्कृति के उद्धारक लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन देकर, आप ये मत मानिए जो काषाय वस्त्र इन्होंने पहने हैं ये रंग से रंगे गए हैं। आप क्या सोचते हैं कपड़ा रंग से रंगा जाता है? ये वाला, ये तपस्या से रंगा जाता है, ये तपस्या से रंगा जाता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि लाल कपड़ा यूं ही लेकर टहलने के लिए होता है, यूं ही लेकर टहला नहीं जाता लाल कपड़े में, चार दिन अपना घर छोड़ के देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि लाल कपड़ा कितना महत्वपूर्ण होता है इस काषाय वस्त्र का। मैं तो कई बार कहता हूं लोग ना लाल रंग का भगवा रंग का कपड़ा पहन लेते, कुर्ता पहन लेते हैं, वो योगी जी की नकल में सब पहनने लगे हैं। मेरा मन करता है पकड़ पकड़ के ने मारूं, तू गृहस्थ है कैसे तूने ये कपड़ा पहना है? इस कपड़े की मान मर्यादा को समझाया जाए किसी माध्यम से, दो तो सन्यासी हो तो पहनेंगे, शिक्षा नीति बात करता हूं। हाँ, तो योगी जी के पास जाएंगे। शिक्षा जो है वो भारतीय संविधान में शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में पड़ता है। संवर्ती सूची का मतलब है कि राज्य और सरकार का, केंद्र का बराबर का हस्तक्षेप रहता है। इसीलिए भारत में 40 से ज्यादा बोर्ड्स हैं, तो क्यों हर राज्य ने अपनी अपनी शिक्षा नीति विकसित कर ली है, वो एनसीआरटी के अंतर्गत उसी शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम तैयार करके पढ़ाते। तो हम उत्तर प्रदेश में ही ये पहला प्रयास करेंगे, हम योगी जी को समझाएंगे, वो थोड़ा समझदार आदमी भी है शायद समझ जाए, नहीं ऐसे समझेंगे तो दूसरे उपाय खुले रास्ते हैं। खैर मैं इतना निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता क्योंकि संसार में कुछ भी निश्चित और नित्य नहीं है। संसरति इति संसारः, जो परिवर्तनशील है उसी का नाम क्या है, संसार है। निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता पर अनुमान से लगता है कि समझदार व्यक्ति हैं और शायद समझेंगे, ऐसी संभावना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम कोशिश करेंगे, ऐसे कई लोग हैं, पहले एक पे कोशिश करेंगे फिर बाकी पे कोशिश करेंगे। तो आप लोग सोशल मीडिया पे मुझे जान सकते हैं, मेरी बहुत सारी चीजें, मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो मिलेंगे आप तो पता चल जाएगा, ठीक है। और शाम को 7:50 पे हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब ग्लोबली एक ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, 500-600 लोगों की ये क्लास चलती है ऑनलाइन। मैं कहता हूं आपसे कि इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ने की कोशिश करें। नाम नहीं, इसका लिंक आपको वीरेंद्र जी से मिल जाएगा। नहीं लिंक तो बोला नहीं जा सकता, वो तो बदलता रहता है, ये ग्रुप में डाल देंगे। क्या पढ़ाते हैं? इसी एजुकेशन पे चर्चा करते हैं, भारतीय संस्कृति और एजुकेशन पे चर्चा करते हैं। बेसिक लेवल उसके 3 हैं, वैसे 14 लेवल हैं जो एजुकेशन के मैंने डिजाइन किए हैं और उन्हें ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जब तक व्यवस्था बदलती है तब तक हम इस शिक्षा का अपने घर में हम किसी तरीके से हम कर सकते हैं? उसके लिए आप गुरुकुलों की ओर रुख कर सकते हैं, मेरा गुरुकुल चलता है यही मुजफ्फरनगर में, उन गुरुकुलों में आप पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे गुरुकुल यहाँ चलते हैं। संस्कृत के अलग चलते हैं, व्याकरण के अलग चलते हैं, संस्कृत व्याकरण के अलग चलते हैं, दर्शन के अलग चलते हैं, वेद की अलग अलग रीतियां होती हैं। वेद को 2 प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, एक प्रकृति पाठ एक विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 होते हैं, पद पाठ क्रम पाठ और संहिता पाठ, और विकृति पाठ 8 प्रकार के होते हैं, है ना, ध्वजा पाठ, रुचि पाठ, शिखा पाठ, घन पाठ, जटा पाठ आदि आदि करके, और प्रकारांतर से ही 18 पाठ का प्रकार का पाठ हो जाता है। तो वो अपने अपने कुल की मर्यादा के हिसाब से उस वेद को, जैसे मैं यजुर्वेदी हूँ कुल से, कुलीनता से मैं यजुर्वेदी हूँ, तो अपन लोगों का काम है यजुर्वेद का। फिर यजुर्वेद में शाखाएं आ जाती हैं, माध्यंदिनी शाखा मेरी शाखा है, तो मेरा काम है माध्यंदिनी शाखा, उसके प्रातिशाख्य व्याकरण और इन सब की रक्षा करना। लेकिन ये परंपराएं लुप्त हो गई, ये परंपराएं बची नहीं है, नष्ट हो गई। तो आप गुरुकुलों में अपने बच्चों को भेज सकते हो, जैसे मेरा गुरुकुल है, ऐसे गुरुकुलों में क्या है कि व्याकरण भी पढ़ाया जाता है, दर्शन भी पढ़ाया जाता है, भारतीय सिद्धांत भी दिए जाते हैं, भारतीय प्राचीन संस्कृति के सिद्धांत क्या हैं, और आधुनिक शिक्षा जो गणित फिजिक्स केमिस्ट्री आदि है वो सब भी हम पढ़ाते हैं। तो वहां आप पढ़ सकते हैं, और इसमें 2 तरह के बोर्ड चलते हैं, एक तो महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, एक बोर्ड है जो पूरे देश में इसे पढ़ाता है, और एक अभी अभी केंद्र सरकार ने, ये स्वामी रामदेव जी हैं उन्हें जिम्मेदारी दी है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमारे यहाँ भी, हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए प्रयत्नशील हैं कि उसकी मान्यता हमें मिल जाए, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाना अलग प्रकार का है, वो कुछ और ही पढ़ाएंगे हम। तो जिन्हें अपने बच्चों को अभी ये शिक्षा देनी हो हमारे गुरुकुलों की ओर रुख कर सकते हैं, पर गुरुकुल में बोर्डिंग एजुकेशन है, मतलब यू हैव टू लीव योर चाइल्ड, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चा घर में रहेगा, आने जाने वाली शिक्षा नहीं। ये 8 साल, 9 साल, 10 साल से शुरू हो जाता है और 14 साल तक प्रवेश करते हैं। 8, 9 साल, 10 साल इसलिए कहा,
कि हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय के बालक का 10 वर्ष की आयु में, और वैश्य के बालक का 12 वर्ष की आयु में, और शूद्र के बालक का जिस जिस वर्ण का वो शूद्र है उसके अनुकूल योग्यता का परीक्षण करने के बाद उपनयन संस्कार किया जाता है। और ऐसा भी इसलिए, ये जातीय व्यवस्था नहीं है, ये माना जाता है कि ब्राह्मण की योग्यता ज्यादा है इसलिए उसका पुत्र जल्दी तैयार हो गया होगा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि स्कूल में जो बच्चा भेजा जाता है वो बिना किसी तैयारी के भेजा जाता है, लेकिन गुरुकुल में बच्चा बिना तैयारी के नहीं भेजा जाता, गुरुकुल में लायक बच्चे को लिया जाता है, नालायक बच्चे को नहीं लिया। जो गुरु को प्रणाम करना नहीं जानता, जो अपने वस्त्र धोना नहीं जानता, अपने बर्तन उठाकर रखना नहीं जानता, अपनी चीजों के लिए लड़ नहीं सकता, उसके साथ कोई शोषण करे तो उसका विरोध नहीं कर सकता, स्वर नहीं उठा सकता, ऐसे बच्चे का प्रवेश नहीं लेते हैं, है ना। आजकल तो छोटे बच्चों का लेने लगे हैं, नाम गुरुकुल रख दिया है, असल में वो स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल, और 4 साल के बच्चे का प्रवेश लेते हैं, वहां आया रहती है, वो आया खुद ही मोमोज खा रही है, तो वो उसका क्या करेगी। उनके भी हरे कर्नाटक के हरे कहां हाँ नहीं, वो वर्णाश्रम परंपरा में, जो सनातन धर्म की वर्णाश्रम परंपरा है उसमें नहीं पढ़ाते हैं, वो गलत पढ़ाते हैं। हाँ वो हॉस्टल ठीक है, लेकिन वो उनके यहाँ शिक्षा जो है वो ठीक नहीं है, वो नॉर्मल CBSE बोर्ड वगैरह पढ़ाते हैं, और उसमें कोई भी वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है, और साई से तो जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करना चाहिए। है साई हमारी परंपरा के व्यक्ति नहीं है, साई और सन्यासी में अंतर रखो, सन्यासी देवता है और साई मुसलमान है, मेरा कथन नहीं है, ये जो शिरडी साई का ट्रस्ट है उसी ट्रस्ट में लिखा हुआ है। अच्छा सत्य साई वो जो बालों वाले थे, अच्छा अच्छा वो अलग, वो भी साई कोई मानते थे, नहीं ऐसा उनके उसमें साफ लिखा हुआ है, जो शिरडी से छपती आप उस इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, जो शिरडी से उनका चरित्र छपता है उसमें मैंने पढ़ा है, जो मंदिर है मुख्य शिरडी का उसी मंदिर के ट्रस्ट से छपने वाले में पढ़ा, नहीं आपके बताने से मैं उसे सीख लूंगा, लेकिन आप मुझे प्रमाण दें, मैं जो चीजें ऑथेंटिक नहीं होती उन्हें नहीं मानता, ऑथेंटिक होगी मानूंगा, प्रमाणित होगी मानूंगा, जो प्रमाणित नहीं होता उसे मैंने, हम तो वेद में नहीं मानते, वेद जब तक प्रमाणित ना हो अपनी परंपरा नहीं है, जब तक प्रमाणित ना हो। आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र के साथ में, और मंडन मिश्र के साथ जब भारती जो उनकी पत्नी थी उन्होंने जब बहस करना शुरू किया, बीच में कूद पड़ी शास्त्रार्थ के बीच में, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा तेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कहा प्रश्न का उत्तर तो है लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, उसे प्रामाणिक कर लूं तब आऊंगा, तुम तो प्रामाणिकता के बिना नहीं मानते। हाँ कन्याएं अलग, मेरे पास गुरुकुल नहीं है कन्याओं का, लेकिन कन्याओं के गुरुकुल होते हैं और गुरुकुलों में कन्याएं पढ़ रही हैं अभी, बल्कि कन्याएं बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। एक कन्या अभी अभी गुरुकुल से IAS हुई है और 12th रैंक के साथ उसने UPSC का एग्जाम टॉप किया है, और यही उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में वो इस समय वो है, क्या बोलते हैं आप, क्या DC बोलते हैं, DM बोलते हैं, DM है वो। मुरादनगर में है, छोटीपुरा गुरुकुल के नाम से, छोटीपुरा कन्या गुरुकुल है। एक बनारस में है, बनारस में दो हैं, मातृछाया कन्या गुरुकुल और एक है पाणिनी आर्ष कन्या गुरुकुल। हरियाणा में रोहतक में रुड़की में है, रोहतक में गांव है रुड़की, रुड़की ये वाला नहीं अपने वाला नहीं है, छोटीपुरा मुरादनगर, छोटीपुरा मुरादनगर, हाँ अमरोहा में, अच्छा मुरादनगर नहीं नहीं वो मुंह से निकल गया, अमरोहा, छोटीपुरा अमरोहा जिला है, और बिजनौर में नजीबाबाद, बिजनौर में नजीबाबाद में, ये बिल्कुल पास में। NCR में कन्या गुरुकुल हैं, लेकिन मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे वहां ठीक व्यवस्थाएं नहीं लगी। है गुरुकुल नरेला में है, नरेला में है, और 2-3 और हैं, हैं गुरुकुल, एक इधर गाजियाबाद की तरफ एक महामंडलेश्वर है, मैं नाम भूलता हूं उनका, है हाँ लोवा, लोवा कला, लोवा कला में एक गुरुकुल है, दिल्ली में, गाजियाबाद में, गाजियाबाद में मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन है गाजियाबाद में। कहाँ? दिल्ली NCR में बालकों का कोई गुरुकुल अच्छा नहीं है, एक छोटा एक गुरुकुल है लेकिन
मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, गौतम नगर गुरुकुल है। क्लोजेस्ट कौन सा अच्छा पड़ेगा? दिल्ली एनसीआर के पास रेवली है गुरुकुल, सोनीपत में, सोनीपत में गांव है रेवली, पाणिनी आर्ष गुरुकुल के नाम से है। इसमें मतलब पंडित युधिष्ठिर मीमांसक और इतने बड़े बड़े नाम इस गुरुकुल से निकले हैं, पंडित भगवत दत्त और इतने बड़े बड़े नाम निकले हैं, मतलब वो इतने बड़े नाम हैं कि उनके कपड़े अगर कहीं रखे हों और उन्हें पकड़ के झाड़ दिया जाए तो उनमें से जितनी धूल उतरेगी उतना मैं अपने पूरे जीवन में संकलित नहीं कर सकता, इतने बड़े नाम निकले हैं उन गुरुकुलों से। रेवली सोनीपत। तो कप्तान धोनी के साथ मैं चाहूंगा कि आचार्य जी मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ रही है अभी गुजरात में, अपने बेटे को भी कराना चाहता हूँ। कौन सा गुरुकुल है? संस्कृति आर्य गुरुकुल में, मेहुल आचार्य मेहुल शास्त्री जी का। तो यहाँ पर बहुत लोग जो अपने बच्चों को गुरुकुल में कराना चाहते हैं, एक जो आर्य समाज के जो गुरुकुल हैं उनके विषय में जो आज कुछ लोगों ने आर्य समाज के प्रति जो एक नकारात्मकता कुछ फैलाई हुई है, तो वो इस मानते हैं कि आप भी आर्य समाज से जैसे जुड़े हुए हैं तो आपके गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, तो क्या उसे उस तरह की विचारधारा जो विकृत कई लोग जो हो गए जो आपको भी इस विषय में अच्छे से ज्ञान है उससे बचे दूर रहने के कारण वो चाहते ही कराना लेकिन करा नहीं, मन नहीं पूरा बना पा रहे, तो उस संदेह का अगर निवारण आप कर सके तो बस मैं निवेदन करूंगा। वीडियो बंद करो तब बताऊंगा जी सर।